हाँ भाई क्या है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ़ आस गंजी सो आई होप जहाँ भी हूँ आप खैरियत से हो खुश हो इट्स बिन अ वाइल्ड सिंस आई एव रिकॉर्डेड लास्ट लेकिन चूंकि मैं ट्रैवल करने से पहले काफ़ी चंक शूट करके गया था तो वो अभी तक चल रहा है पाइपलाइन में और ये एपिसोड हम शूट कर रहे हैं आज क्या डेट है मोहित साहब जून की सिकस्थ है आज तो होपफुली uh, जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में आप देख रहे होंगे ये सो so, लिटल बिट अबाउट माई ट्रेवल्स आई वॉज इन यू एस में सैन एंटोनियो गया था यू एस ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से बिकॉज uh, हर साल अमरीका में एक्सपो होता है उनके शहरों के बारे में हर डि हर साल डिफरेंट शहर में होता है और वह शहर को बेसिकली दुनिया के लिए ओपन किया जाता है कि इस शहर में ये ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस के लिए ट्रेड के लिए फ़ाइनेंस के लिए मीडिया uh, के लिए तो पूरी दुनिया से प्रेस उन्होंने बुलाया था एंड आई वाज दी ओनली पाकिस्तानी कवरिंग दैट इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह और दो एक बिज़स आए थे इन्वाइट uh, तो काफ़ी लोगों को किया था बट बिकॉज ऑफ़ द इकानमी और जो मुल्क हालात क्योंकि आपको अपने खर्चे पर जाना होता है डिपार्टमेंट ही कवर नहीं करता दे जस्ट इन्वाइट यू कि आप यहाँ आ सकते हैं anyway, एनी और बिजनेस लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है बिकॉज पूरे अमेरिका का बिजनेस वहाँ मौजूद था कार्ड्स एक्सचेंज हो रहे थे दे वॉज so, मेरे लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट एंड बड़ा अच्छा रहा मुझे तो बड़ा मज़ा आया और साथ में जो हमारे ट्रेवल्स से रिलेटेड दो बिज़नेस मैन वहाँ मौजूद uh, थे अच्छे लोग थे उन्होंने भी माशाला दे व लाइक आई वॉज लुकिंग एट दम हर उस पर गए uh, स्टॉल पर गए अपने बारे में बताया पाकिस्तान के बारे में बताया अपरचुनिटीज़ आइडिया शेयर किए क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ़ बिजनेस अच्छा इवेंट था बड़ा मज़ा आया डिड डाट एंड देन उसके बाद फिर यूस्टन टूस्टन डालस तो मेरा रेगुलर होता है आई वॉन्ट्स अगेन मेट माई ओल्ड नेबर हु माशा पिलियन एयर तो खैर उनके घर पर हमने पिकल बॉल खेला uh, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है और वो बड़े uh, ज़ोरों शोर से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इसके बारे में लोग जानें खेलें इंटरनेशनल लेवल पर आए एंड ही वॉन्ट्स टू बेसिकली इंक्रेज पाकिस्तान इज़ नॉट बाय जस्ट सेग बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अगर रैकेट वैकेट भिजवाने हो बच्चों को तो वो भी चाह रहे हैं बट अब ये इतना स्पेस कहाँ से है कराची yeah. में तो पार्कस हैं नहीं गवर्नमेंट से बात करेंगे गवर्नमेंट बोलेगी सर यहाँ पे तो इतना खर्चा आ जाएगा ये हो जाएगा फाइलें मूव होंगी एफ बी आर पे जाएंगे पता नहीं क्या क्या है यार यहाँ पर यहाँ पर तो कुछ भी करना फजूल है सो पिकल बॉल वॉज अ वेरी फंटासटिक गेम एंड आई हंग आउट इट वॉज अलाट ऑफ वन आई मेट्स दिस रियली नाइस पलमिनोलॉज फ्राम कैन डरबी कैंटकी गुड uh, फैमिली अच्छे लोगों से मुलाकात होती है एंड देन आई डिड अ छोटा सा मीटअप विद माय क्लोज फ्रेंड्स नॉट क्लोज फ्रेंड्स बट लाइक वो मेरे पेट्रेंट्स हैं लास्ट टाइम वो मुझे मिले थे uh, तो फिर उनमें से चंद के साथ मैंने हैंग आउट किया वो तस्वीर मैं शेयर करूँगा वॉन्ट टू मेक अ वीडियो उस तस्वीर में क्या है एक बंदा है ए आई और मशीन लर्निंग वाला है एक जो है वो डेटा फार्म बनाते हैं फेसबुक के लिए और मेटा के लिए और तीसरे जो साहब हैं ही इज़ इन टू क्लाउड टेक्नोलॉजी लाइक यार जो मिलता है वहाँ पे किसी कोई काम का ही बंदा मिलता है ख़ास तौर पर अमरीका में तो अब उससे मैं यही पैरल ड्रा करना चाह रहा हूँ कि अच्छे दिमाग तो हमने निकाल दिया जो कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन हो गया भाई ड्रेन में रह रहा था ब्रेन ब्रेन तो अब सही जगह आ गया है तो वहाँ माशाल्लाह थ्राइव कर रहे हैं ये लोग दे वर लिविंग एवरेज लाइफ इन पाकिस्तान वहाँ जाके माशाल्लाह सब थ्राइव कर रहे हैं हेंस आई ऑलवेज से जो भी पेरेंट्स नए नए बने हैं या जो बनने वाले हैं मैं यही कहूँगा अभी अपने दोस्त को भी मैंने लंबा सा वॉइस नोट भेजा ओमान में कि भाई हमारी तो गुजरगी जो भी है लग के जो है ना एक अलग से बैंक अकाउंट बनाओ से पैसे डालो बच्चा जैसे ही इंटर करे ए लेवल्स करे अमेरिका भेज दो और उसको बोलो बेटा दस साल लगा ले उस मुल्क में कुछ बन के ही निकले एट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देर जस्ट सो मच टू डू देर आई कैन नॉट वॉइस दिस इनफ और मैंने इतनी थ्राइविंग इकोनमी कहीं नहीं देखी वहाँ लोग हाथ में पैसे लिए घूमे रहे होते हैं यार ये कर दो वो कर दो जहाँ कहीं जाता हूँ जब किसी से मिलता हूँ दे हैव समथिंग टू ऑफ़र मैं आई मेट द टीम बिहाइंड राहत फ़तेह अली खान कॉन्सर्ट्स जो जिनकी प्रोडक्शन टीम होती है उसमें इंडियंस भी हैं काफ़ी ऑब्वियसली प्रोडक्शन वो अच्छी करते हैं कॉन्सर्ट्स इंडिया in में बड़े बड़े होते हैं तो उनको आता है सजाना यहाँ पे तो सीधा सीधा स्टेज होता है कभी स्क्रीन पाकिस्तान के कभी किसी कॉन्सर्ट में पीछे कोई स्क्रीन नहीं लगी होती ऐसा ही है भाई तुमने देखा कभी खाली होता है तो वो बड़ी टेक्नोलॉजी होती है भाई बड़ा उसको ऑपरेशन ऑपरेशन स्टेज की लाइट्स फायर आग निकल रही है थ्री लड़की बनी हुई आ गई आफरीन आफरीन पे बड़ी टैलेंटेड टीम थी आई मेट गम बी एज वेल ग्रेट गाय आई गोइंग टू हैव हिम ऑन द पॉडकास्ट सून और uh, तो उनमें से एक बंदा था ही इज़ डूइंग सम कॉन्टेंट्स सिनर्जी पता नहीं क्या समझा रहा था एंड ही वॉन्टेड लाइक माई सर्विसज इन टर्म्स ऑफ केयर अगर आप इफ यू कैन डू दिस डू दैट लाइक दिस देर आर लॉट्स ऑफ पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज देयर नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इफ यू मीट द राइट पीपल यू नो आई एम से अपनी फील्ड के लोगों में मिलें सो इट्स अ वेरी थ्राइविंग कंट्री मुझे हमने तो भाई अभी डिस्कवर किया हमारे मीनज ही अभी बने uh, लेकिन ये कि जो लोग सुन रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर दैट इज़ द प्लेस टू बी आई एम आई कै नॉट स्ट्रेस इज तो खैर वॉज अ गुड टूर एंड देन फिर अभी मैं दुबई गया हुआ था फॉर टी सी एल इवेंट दै वॉज ग्रेट एज वेल अ लॉट ऑफ़ यूट्यूबर्स पाकिस्तानी यूट्यूबर वहाँ मूव हो चुके हैं माशाला देर डूइंग वेल और ये बात अगर आप मेरी पुरानी आस्क में जाएँ अगस्त वाली में तो अगस्त में मैंने कहा था कि अगले छः महीनों में बहुत सारे यूट्यूबर जा चुके होंगे उस वक्त ना नौ मई हुआ था उस वक्त ना इंटरनेट बंद हुआ था उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था इकोनॉमी थोड़ी सी सिसक रही थी बट मैंने ये बता दिया था कि ये वहाँ चले जाएंगे क्यों और वही हुआ क्योंकि आसान है जाना और वहाँ पे बड़ी थ्राइविंग इकोनॉमी है कंटेंट को गवर्नमेंट uh, रिकगनाइज करती है इन्फ्लुएंसर का लाइसेंस मिलता है वहाँ आई मेट सम वंडरफुल इन्फ्लुएंसर्स देयर रुजूम एक थी शी लुक्स लाइक सबा कमर और उनको सबा कमर समझ के लोग सेल्फियाँ भी खिंचवाते हैं एंड रुजूम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम तो वो मुझे बता रही थी कि भाई बाकायदा उन्होंने बड़ा महंगा लाइसेंस लिया हुआ है वरना एजेंसीज़ आपको काम ही नहीं देती क्योंकि इन पे लाइसेंस नंबर भी जाता है तो और नास डेली वहाँ बैठा हुआ है कंटेंट की इतना बड़ा उसने जो है ना इंडस्ट्री लगाई हुई है सो so, एक ऐसा मुल्क जो कि बाकायदा अपने लॉज में कंटेंट को रेकग्नाइज़ करते तो कंटेंट क्रिएटर का वहाँ फ़ायदा है या उस मुल्क में फ़ायदा है कि मी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर जब बैंक अकाउंट खोलने जाता हूँ तो मुझे अपनी कंपनी को एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिक्लेयर करना पड़ता है म्यूजिशियन का तो लगता ही नहीं आया मैंने कितने म्यूज़िशियन अपने दोस्तों का बैंक अकाउंट खुलवाया ये बता के कि, कि मेरा ऑडियो इंजीनियर है करके भी गए ऐसा नहीं है कि मैंने खाली खली वली कराया ऑडियो का काम कराया किसी से लाइट का काम कराया किसी से ये कराया वो कराया तो ये तो हाल है तो ऐसे मुल्क में अच्छा YouTube बंद करना आता है इस मुल्क को YouTube तीन साल बैन करना आता है फिर YouTube का जो पैसा आता है मोनेटाइजेशन का सोर्स पे टैक्स लगाना आता है गवर्नमेंट को ठीक है भाई लगाएँ कमा रहे हम तो मगर YouTube को रिकग्नाइज़ नहीं करना आता इनको समझ रहे हैं तो यार यही वजह है लोग अब वो जो दुबई जा रहा है सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट लाइक कहीं तो ये रेंट करना था मैंने इट्स ओनली फॉर योर ओन फॉर योर नॉलेज Uh, अब जो जा रहा है दुबई में ऑब्वियसली यहाँ पे एक मकान का किराया यहाँ पे मोस्टली सबके अपने अपने घर हैं अगर किराया भी है तो कितना ही किराया तीस हज़ार चालीस हज़ार पचास हज़ार ठीक है ना दुबई में वो किराए जो हैं वो चार हज़ार दरम से शुरू होते हैं एक कमरे का अगर फ्लैट में जा रहे हैं दो बेडरूम तो वो ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ की जो पूरी करनी होंगी तो वो जो यूट्यूब बनी पाकिस्तान आता था एक एक बटन दबाना होता है सिर्फ कि भाई अब से अकाउंट मेरा ये है वो दुबई रोट हो जाएगा मैंने तो यहाँ कर आउट किया हुआ है क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ पा, पाकिस्तान में आए डॉलर और हम हर महीने लाते हैं ठीक है ना थोड़ा बहुत ही लाते लाते तो है ना कुछ मुल्क से ले नहीं रहे दे ही रहे कुछ ना कुछ समझ रहे हैं आ, तो वो वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये लॉस हुआ ना तो ये छोटी छोटी करके ये तो छोटे यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना आ, ये तो मतलब किसी गिनती में नहीं आते अब इसको आप बड़े आ, मैक्रो लेवल पे देखें तो इंडस्ट्रियलिस्ट और लॉर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज हैव मूव टू बांग्लादेश नॉट नाउ 2008 से कराची से तो कितनी गायब हो गई तो इस तरह Uh, जो है ना यही वजह है कि अब हम एक एक बिलियन को आ गए एंड वी आर स्टिल नॉट लर्निंग या तो होता ना कि हाँ वी आर रेप्रमेंडिंग आर एक्शन और uh, ये कि यार नहीं अब हमें ऐसा नहीं करना स्टिल नॉट लर्निंग वी आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग्स और या uh, अनफॉर्चुनेट yeah, और अभी मुझे अपोलॉजी लेटर आया मेरी कंपनी मतलब दिस दिस कंपनी दैट मैनेजेस ख्याल जो मेरा क्लोदिंग uh, ब्रांड है उसकी वेबसाइट उसकी सेल्स वगैरह अपोलॉजी आई कि जी नौ मई के बाद जो इंटरनेट बंद हुआ और वीपीएन लगा के ऐड टारगेट के तो टारगेट हिट ही नहीं हुए तो पैसा जाया हुआ एड रेवेन्यू का तो सेल्स कम है तो ये लें जी चार चॉकलेट <laughs> तो चॉकलेट आई है टेंशन में उल्टा मैं चॉकलेट खा के डायबिटीज़ करा लूँ हली बल्ली खैर गुड ऑन देम कि उन्होंने एक्नॉलेज किया नहीं करते नहीं करते खैर तो uh, तो ये हुआ तो ऐसे में फिर कौन बिजनेस करेगा भाई यहाँ पे तो सब भागेंगे ठीक है ना शायद मैं भी आगे पीछे हो जाऊँ खल्ली वल्ली हो जाऊँ कब तक करेंगे यार जितना कर सकते हैं करेंगे खैर सो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ माय ट्रैवल्स आई हैड अ ग्रेट टाइम इन दुबई इट्स ऑलवेज फन टू बी देर देर इज़ सो मच टू डू सो मैनी प्लेस टू गो कुछ नहीं तो बंदा ड्राइवर आउंड ही कर ले म्यूज़िक इंजॉय कर ले आई फील जेनली हैप्पी देर और मुझे अफसोस होता है कि वो हैप्पीनेस यहाँ नहीं मिलती मैं यहाँ उतरते ही एयरपोर्ट पे जो पार्किंग होती है ना यहाँ से आना है यहाँ से जाना है तो एक अंकल यहाँ से भी आ रहे थे एक यहाँ से भी आ रहे थे और हम जा रहे फंस गए और हम फंसे में अब और कोई मूव नहीं हो रहा लाइक नो बडी कैन थिंक दिस थ्रू कि यार अच्छा अगर मैं पीछे हो जाऊँ तो ये दो निकल जाएंगे या ये मैं यूँ कर लूँ मन नहीं फंस गए बिकॉज इन्होंने बचपन में टेट्रिस नहीं खेला कि किस तरह प्लेसमेंट करनी है इसलिए वीडियो गेम ज़रूरी है तो या तो फिर आते ही पेन मिला तो वहाँ पे यार एक है शोर नहीं है और आई डोंट नो यार असल में मसला ये है आप में से बहुत सारे लोग आ, जो हैं वो यहीं रहे हैं इन शह यू गेट टू ट्रैवल ऊन इन योर लाइफ तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि, कि किसी बेहतर कंट्री अगर आप जाए ना वहाँ शोर नहीं होता इसकी मिसाल इस तरह है आप खैर नॉट इन पाकिस्तान बट दुनिया भर में आप जितने फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाएंगे वहाँ शोर होगा या स्ट्रीट फूड में शोर होगा जितने हाई एंड में जाएंगे उतनी खामोशी होगी जैज़ म्यूज़िक बज रहा होगा कैंडल होगी सेक्सोफोन बज रहा होगा राइट तो अच्छे और बुरे की जो जो वो है ना वो शोर एंड लैक ऑफ इट से आप डिटर्मिन कर सकते हैं सेम गोज फॉर द सिटीज़ अब आप शेख जैद रोड पर कहीं भी खड़े हो जाएँ आपको सनसन आवाज़ें तो बहुत आएंगी गाड़ियों की और हज़ारों गाड़ी गुजरती हैं हॉर्न की एक आवाज़ नहीं आती सो देर सो मच पीस दर शोर नहीं होता वो और यहाँ पे जेनविनली बहुत शोर है आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ बच्चे भाग रहे हैं म्यूज़िक बड़ा लाउड लगा हुआ है लोग बहुत लाउड बात करते हैं यहाँ पे अब ये चीज़ें आ, आप बोलोगे यार फजूल में आप सेंसिटिव हो रहे हो शायद मैं बहुत सेंसिटिव हूँ लेकिन आ, आ, बहुत से लोग अग्री भी करेंगे इस बात से कि जब उन्होंने ट्रैवल किया किसी मुल्क में या मूव हुए तो एक चीज़ जो उनको Uh, उन्होंने नोटिसेबलती हुई थी कि वहाँ शोर नहीं होता आवाज ही नहीं होती सोया खैर सॉरी बड़ा लंबा हो गया चलते हैं सवाल की तरफ आज का पहला सवाल एंड या यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेट्रीन पेट्रियन डॉट कॉम से गंजी स्वागत आई गॉट टू मीट माई पेट्रिय इन दुबई एज वेल दैट वॉज अ गुड और उसमें भी अगेन मैं जिनसे मिला एक साइबर सिक्योरिटी के साहब थे uh, एक साहब जो थे सो so लाइक like, uh, सब पाकिस्तानी थे एक्सेप्ट दिस वन किट फ्राम इंडिया जम्मू कश्मीर और वो आयरलैंड में पढ़ रहे हैं वेरी ब्राइट गाय ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड बट लाइक सुपर ब्राइट एक uh, उसमें कार इंथूजियस था बट ही वॉज इन इन अ शिपिंग कंपनी वन वॉज एन अकाउंट अकाउंटेंट बट एट अ सीनियर लेवल एक जो थी साहिबा वो कोडिंग की थी और या uh, yeah, सारे वंडरफुल बेहतरीन दिमाग थे बहुत मज़ा आया मुझे मिलकर सया so, yeah. चले जी तो so, आप भी सपोर्ट कीजिए सो होपफुली वन एवर आई एम इन यूर सिटी तो विल गेट टू मीट तो मैं अभी ये भी बताता हूँ वेयर आल बी इन नियर फ्यूचर आई एम गोना भी इन मिलान आई एम गना बी इन रोम बर्न इन स्विट्जरलैंड ये दिस इज़ लाइक टेंटेटिव अभी कन्फर्म नहीं तो uh, sure, है लंडन तो डेफिनेटली होगा एंड देन मे बी साउथ ऑफ इटली नॉट श्योर अभी चल रही है प्लानिंग एंड देन लेटर ऑन यूस्टन डैलस तो होता ही है वेगस वेगस में आई एम आल बी वॉचिंग अ आई एम वॉचिंग वंडरफुल कॉन्सर्ट दिस ईयर सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द समर्स सो रेड हॉट चिली पेपर लॉक हो गया है गंज एन रोजेज हो गया है देर इज़ द चॉइस बिटवीन स्नूप डॉग एंड मिटाले का सेम डेट डैलस में हो रहा है आई एम लाइक यार कितना थ्राइविंग इकोनमी है कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट एक ही दिन कर रहे हैं उनको यूनी हो रहा है अभी तू क्यों कर रहा है मैं आगे डेट कर लेता हूँ बिकॉज सो मच हैपन्स सोया एक और हो रहा है जून ट्वेल्थ को ऑजी ऑसबर्न विद जूडस प्रीस्ट एंड इट्स लाइक चाइल्डहुड मेमोरी आई हैव द वीजा बट खाली उसके लिए इतनी दूर जाना इज़ नॉट थ्राइव इज़ नॉट ईजी स्पेशली इन दिस इकॉनमी एक एक पाउंड हर्ट करता है एक एक डॉलर हर्ट करता है भाई तीन सौ रुपए का खैर भाई बड़ा लंबा हो गया कितने मिनट हो गए इसमें ही निकाल दी मैंने चौदह मिनट का इंट्रो क्या बात है चले जी इस पर चलते हैं ई मेल पर हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स hello judith i used to watch your videos on youtube which i used to and i realized that you have wonderful english speaking and communication skills now i'm very basic but thank you currently i'm working in a private american based company as a data analyst but now they need my english speaking skills improved to give me further promotion so i wanted to get your advice in this regard please advise me how can i improve my english स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स थैंक्स एंड रिगार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ई मेल इस प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं आपने बहुत अच्छी ई मेल ख़ुद से लिख के दिए सो क्लियरली यू हैव द नैक ऑफ द लैंग्वेज अनलेस आपने चैट जी पी टी से लिखवाई है नाम जस्ट जो के यू आर ऑलरेडी देर रही बात स्पीकिंग की स्पीकिंग पे बहुत से लोग घबराते हैं और हालांकि डन इंडस्टेड क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको दोबारा इसलिए एड्रेस करूँ क्योंकि ये बहुत लोगों का इशू है uh, अब इसमें देखिए ये चीज़ कोई भी चीज़ हो ना कोई भी स्किल हो वो प्रैक्टिस से ही आती है चाहे वो आपने फोटोशॉप सीखना हो एडिटिंग सीखनी हो कैमरा सीखना हो, हो जितनी प्रैक्टिस करेंगे अब लैंग्वेज का इशू ये है कि वो प्रैक्टिस किसी और इंसान के साथ ही हो सकती है अकेले नहीं हो सकती राइट सो आपने ये करना होगा कि अपने आप पहले तो अपना ज़रा कॉन्फिडेंस बिल्ड करें इन सेंस के इट्स ओनली अ टूल इट्स ओनली अ लैंग्वेज इंग्लिश ना आने से कोई जाहिल नहीं होता जहालत जहन की होती है सोच की होती है तो शर्माए ना बग़ैर शर्माए आप बात करें अपने किसी कॉन्फिडेंट से घर में अगर बात करना चाहें कोई दोस्त है जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी है या कोई भी कोलीग है और इस शर्मा शर्मी से निकलें कि यार शायद मैं गलत ना बोलूँ गलत आप ऑब्वियसली बोलेंगे आपकी नेटिव लैंग्वेज थोड़ी है इसको इसी तरह समझे जिस तरह आप बचपन में इतनी बार गिरे होंगे सीढ़ियों से भी गिरे होंगे चलते हुए भी गिरे होंगे बट इवेंचुअली यू लर्न हाउ टू वॉक आपने प्रैक्टिस की तो इसी तरह आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी होगी अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे कॉन्सेपचुअल uh, इंग्लिश इतनी नहीं आती मुझे बस नाउन और वर्ब की डेफिनेशन आती है और ज़्यादा मुझे डेफिनेशंस नहीं आती लैंग्वेज की बट uh, जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कमांड है वो ज़्यादातर आई इस तरह कि मैं हमेशा वाँ, 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 इस इस एंगल से भी सोचता था यार लड़कियों बड़ी इम्प्रेस होती है अंग्रेज़ी से तो मैं एक ये भी मेरी मोटिवेशन थी मोटे मोटे लव सीखना सो मैं हमेशा पल्स ग्लोबल आपको याद होगा वी एच एस टेप्स आती थी उनकी तो उसमें उर्दू तर्जुमे के साथ फिल्में आती थी तो उसमें आप तर्जुमा तो समझ लेते थे मगर वर्ड्स कभी कभी आप पिक नहीं कर पाते थे राइट right? फिर आया नेटफ्लिक्स का दौर और उसमें अब आते हैं सब ठीक है सब रियली हेल्प मगर उसमें यह कि आँखें यूं यूँ करके करना पड़ता है मगर ये कि उसमें आपको एक्सप्रेशंस लिखें अगर कोई एक्सप्रेशन बोला जा रहा है लफ्ज़ आपको जो लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इसके मायने क्या होते हैं पॉज करें एक डायरी में साथ साथ लिखते रहें इस तरह वर्ड्स जमा करते रहें उनका यूजेज नोटिस uh, करते रहे कि यार ये फ़लानी फिल्म में वर्ड इस इस, इस तरह बोला गया था यहाँ पे इस तरह बोला गया है एंड ट्राई टू इनकल्केट दैट वर्ड इन योर डे टू डे रूटीन एक हफ्ता लगता है अगर आप एक वर्ड कोई सीखते हैं और उसको बार बार अपनी स्पीच में यूज़ करते हैं तो फिर वो आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बन, बन जाता है आपके वर्नाकुलर का हिस्सा बन जाता है राइट तो इसी तरह अपने वर्ड्स का डेटा बैंक भरते रहिए एक्सीडेंट में ना जाइए एक्सीडेंट ज़रूर आप बिल्कुल नहीं पिक कर पाएंगे अंग्रेज़ों का अलग होता है इंडियंस का अलग होता है पाकिस्तानीज़ का अलग होता है तो उस पर फोकस ना करें कि मेरा मुंह कितना टेढ़ा करना है आप बिल्कुल बेसिक बोलें जैसे जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ और उसमें कोई कबात नहीं जो आपका जो भी टीम है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है तो वहाँ पर मल्टीनेशनल लोग होंगे तो सबके पास अमेरिकन एक्सीडेंट तो नहीं होगा और आपका भी जो अमेरिकन बॉस भी है उसको आपके एक्सडेंट से नहीं आपकी कम्युनिकेशन से आ, जो है ना वो मतलब है तो आप जब तक अपनी बात कम्युनिकेट करवा सकते हो जितनी अच्छी उसको वो चीज़ चाहिए अज्यूमिंग अगर शायद अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं तो शायद वो आपको सेल साइड पर रखना चाह रहे हैं या पब्लिक साइड पर रखना चाह रहे हैं विच इज़ वाई दे वांट यू टू इम्प्रूव यूर इंग्लिश एंड ऑल्सो ऑब्वियसली अगर आप डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो डेटा हर किस्म का हो सकता है तो उसमें भी ज़ाहिर आपकी एक स्किल चाहिए यही एक तरीका है अगर आप चाहते हैं कि इस पर आप कोई कोर्स करें तो यूट्यूब पर बहुत कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे बट अगेन कोर्सेज से आप स्ट्रक्चरिंग सीख लोगे आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे एक्टिव पैसि वॉइस समझ लोगे बट प्रैक्टिस आपको इंसान के साथ ही करनी है uh, अब आई डोंट नो जो लोग सुन रहे हैं कोई ए आई अगर चार्टॉट इसका uh, आ, अब तो ए आई भी है ना हाँ स्नैपचैट पर भी है उससे आप बातें कर सकते हैं मगर अगेन आर नॉट स्पीकिंग स्पीकिंग सीरी से बात कर ले या कोई इस तरह का और कोई टूल है आ, जो लोग बेहतर बता सकते हैं जहाँ पे आपको शायद इंसान की जरूरत ना हो मगर फिर वही वाली बात है वो हर मूवी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि यू जस्ट टॉकिंग टू दी ए फिर आप इंसान आपको चाहिए नहीं क्योंकि ए आपको जज नहीं कर रहा ना फिर आप इंसान से और घबराएंगे तो बी सोशल बी आउट देयर अपने आप को जितना रिस्क में रखेंगे जितनी पोटेंशियल रिस्क सिचुएशन में डालेंगे <coughs> उतना ही आप ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करेंगे और उतनी आपकी स्किल डेवलप होगी अब दूसरा अक्सर लोग कहते हैं कि जी अंग्रेज़ी को नहीं हमें उर्दू को प्रोमोट करना चाहिए तो भाई आ, मैंने आ, जो वीडियो बनाई थी सना अहमद के साथ जो लोरेयाल की एच आर डायरेक्टर हैं अब तो खैर माशाल्लाह शी इज़ मूव टू मीना रीजन मीना रीजन इज़ ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मूव टू दुबई तो हमारी ज़्यादातर जो कॉन्वर्जेसन uh, थी वो अंग्रेज़ी में थी ठीक है अब कुछ लोग uh, ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं अंग्रेज़ी में कुछ लोग इंग्लिश में ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं मैं थोड़ा सा माइंडफुल होता हूँ क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस का पता है कि पहला कमेंट येगा इट्स नॉट आ नेशनल लैंग्वेज अब तुम्हारा मुल्क का कानून अंग्रेजी में है तुम्हारे मुल्क की सारी जो आपकी ब्यूरोसी uh, है जो लेटर निकलते हैं वो अंग्रेज़ी में निकलते हैं आपके मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी है उर्दू नहीं है उर्दू थोपी गई है आ, और लैंग्वेज के भी अगर उसमें जाएं तो फिर बहुत बड़ा एक एक टॉपिक है देखें अगर आप आज के दौर में अच्छा जिन लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखी तो जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप सना अहमद जुनेद अक्रम लिख के सर्च कीजिएगा वो पॉडकास्ट सुनिएगा पाँच दस मिनट सुनिएगा और आप देखिएगा उसमें हम कोई शेक्सपियरियन अंग्रेजी नहीं बोल रहे हम बड़ी बेसिक अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अगर इन दिस डे एन एज ए आई चार्ट जी के दौर में अगर आपको बेसिक अंग्रेज़ी भी नहीं आती अगर आपने ये टूल भी नहीं सीखा तो आप बहुत ही नल्ले हैं और बहुत इरेलीवेंट हैं इस दुनिया के लिए हम सॉरी टू से आपको मिर्ज़ा गालिब के खतूत जो है ना मिर्जा गालिब को आम पसंद थे इससे नौकरी नहीं मिल सकती मिल सकती है तो ले दिखा दो मुझे उर्दू आपको इट कैन ओनली गेट यू बाय के लाइक आपको डेली लाइफ में काम ज़रूर आएगी आपने आ, जो है आ, एक एक सर्टन तबके से अगर बात करनी है या किसी उर्दू इज़ ओनली अ मीडियम टू टू कनेक्ट के वो पठान भी बोलेगा कोई सिंधी भी बोल लेगा बलोची भी बोलेगा तो वो एक कॉमन टूल है आपको वहाँ तक कनेक्ट कर देगा उर्दू का कोई ऐसा आपको अमली ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदा नहीं है तो छोड़ दो ऑफ़ कोर्स लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट करना चाहिए मगर ये कहना कि नहीं जी अंग्रेज़ी को आप बाहर निकालें और जी उर्दू इम्प्लाई करें तो आप बहुत ही बड़े नल्ले हैं आपको पता ही नहीं है आपके मुल्क का कानून अंग्रेज़ी में और आपके मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी में है अंग्रेज़ छोड़ के ही इस तरह गए एच से ही निकलते हैं आपके ब्यूरोट्स आपके प्राइम मिनिस्टर निकलते ही एच कॉलेज से हैं और वो है ही अंग्रेज़ों का तो अंग्रेज़ अपना निज़ाम नहीं छोड़ के गया निज़ाम यही इंस्टॉल करके गया आप जितनी उर्दू पढ़ लो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से आप जितना उर्दू में मास्टर्स कर लो वज़ी अजम लगना है तो अंग्रेज़ी मीडिया भी लगना है ये बात आप लिख लें अगर आप जो है बड़ी मल्टानेशनल को टारगेट कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी आपका टूल है वही आएगा वही आएगी उसी पर आपका रेज्यूमर बनेगा उसी पर आपका इंटरव्यू भी किया जाएगा ईमेल पे भी आप क्या कर रही हो ये नहीं कर रहे होंगे आप अंग्रेजी में ही कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो अगर आप ये बोलना कि जी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो नेशनल लैंग्वेज को लेके आप बैठ जाओ और फिर रो के प्रेस क्लब के बाहर के हमें नौकरियाँ नहीं मिलती जो फैक्ट है वो है इसमें सेन्टिमेंटल होने वाली आखिर यही वाली बात है ना आप इमोशनल बहुत हो आप लोग सारे नहीं हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो क्या करना रहे नेशनल लैंग्वेज का बोलना ही है ना ठीक है जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है लेकिन जहाँ पे अंग्रेजी रिक्वायर्ड है वो है या तो फिर आप एक पूरा रेवोल्यूशन लेकर आएँ और फिर आप इसको Uh, जो है ना इंग्लिश को खली वल्ली करें और फिर फिर मिसालें देते लोग जी चाइना की फ्रांस की इसकी उसकी हज़ारों साल पुराने मुल्क हैं वो और हज़ारों सालों से वो अपनी लैंग्वेज में ही ऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने उसको प्रेफरेंस दी हमारा मसला ये ना कन्फ्यूज़ है पता ही नहीं है बच्चा घर में पंजाबी बोल रहा है बाहर सड़क पे उर्दू बोल रहा है स्कूल में जाके इंग्लिश बोल रहा है सबसे बड़ा जो क्राइम है ना पाकिस्तान में वो ये कि यहाँ पर करिकुलम अपनी रीजनल लैंग्वेज में नहीं कराया जाता क्योंकि जो बच्चा घर में माँ बोली बोलता है आ, उसको उसी में समझाना पहले आप उसके ज़िंदगी के पाँच छः साल अंग्रेजी और उर्दू सीखने में लगा देते हैं जिन सालों में उसने जो है ना एनालिटिकल थिंकिंग को ग्रैप करना था वो बेचारा एक एलियन लैंग्वेज को ग्रैप कर रहा है जो कि घर में बोली नहीं जाती घर में माँ पंजाबी बोलती है बाप सिंधी बोलता है घर में पशतो बोली जाती है स्कूल में आप आगे करो उर्दू पाँच छः साल आप उसके उसमें ज़ाया कर रहे हो उसके बाद फिर अच्छा अब कंप्यूटर साइंस पढ़ लो ये पढ़ लो वो कह रहा है अच्छा अब ये भी पढ़ना है उसकी उसकी जो फॉर्मेशन वाला टाइम था वो तो निकल गया इसीलिए नल्ले निकल रहे हैं स्टूडेंट आगे मुल्क भी नल्ला चल रहा है ठीक है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए लोगों को ठीक है उर्दू बाद में अडॉप्ट करा लो कोई मसला नहीं है रीजनल लैंग्वेज में उनको मैथमेटिक्स पढ़ाएं रीजनल लैंग्वेज में उनको हिसाब किताब ये किताबी सिखाएं ताकि वो अपने फॉर्मेटिव एयर्स अपने एनालिटिकल स्किल्स पे लगाएं आप लगा दो जी एलियन लैंग्वेज पे अजीब है फिर वही हाल देखें आप पंजाब में तो पंजाबी यहाँ पढ़ा ही नहीं जाती दिस तो इज़ सच अस फॉर्चून तो कि एक पूरी हज़ारों साल की सिविलाइजेशन यहीं एंड होने जा रही है आई डोंट स्पीक पंजाबी आई एम अ पंजाबी माई सेल्फ ठीक है ना आ, एक तो उसको पेंडू लैंग्वेज कहा जाता है इंडियन पंजाबीज इज़ सेलिब्रेडेड लैंग्वेज विच इज़ वाई जी पंजाब का म्यूज़िक पूरी दुनिया में वो इंडियन पंजाब का है आपके पंजाब का नहीं है कोई मुल्क बिल्लो देघर कोई नहीं सुन रहा मुंडियाँ तो बच के रही आज भी न्यूयॉर्क के हर हर क्लब में बचता है चाहे जितनी वाइट ऑडियंस हो मुंडियाँ तो बच के रही बचता है और अब अभी मैं वहाँ था दुबई में जहाँ जहाँ गया ए भी बज रहा था पूरा क्राउड जो है ना नॉन इंडियन था नॉन देसी क्राउड था ए बज रहा था हर जगह और वो अली 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 ना ना वो जो दो औरतें जो गाती हैं किस्मत डाली पता नहीं क्या क्या हर जगह बजा वो वो भाई कल्चर ऐसे पेनिट्रेट होते हैं दुनिया में सॉफ्ट इमेज ऐसे पेनिट्रेट होता है समझ रहे हैं तो इंडियन इंडियंस ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा इंडियन पंजाबीज़ ने आप देखें वहाँ पे आज भी गिद्दा होता है औरतें जो है दे सेलिब्रेट उनकी वेडिंग सेरेमनीज़ देखें यूट्यूब पढ़ा रहा वहाँ पे देखें ना हमने अब मौलवी भर दी हर जगह लाके और सऊदी बना दिए और सऊदी सऊदी अगर बनाना था तो अभी वाला सऊदी भी बना दो वक्त के साथ नहीं जी भाई यार अब क्या डिबेट करें फिर कोई मौलवी साहब बैठ जाएंगे वीडियो लेके छोड़ यार तो भाई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए बच्चों को यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइम बच्चों के साथ यही होता है और ये एक, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होता है क्योंकि भाई यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है बांग्लादेश भी अलग इसलिए हुआ ना उर्दू थोपी उन्होंने बोला भाई हम बंगाली हम उर्दू क्यों बोलें यार तुम लोग बोलो लखनऊ वाले उर्दू बोले हम क्यों बोलें तो उस वजह से वो चले गए अब यहाँ पर जो है ना क्योंकि कल्चर आपको टुगेदर रखता है फिर लेकिन चूंकि नेशनलिज्म और आइडियोलॉजी का मंजन सारा सबको देना पाकिस्तान में उर्दू कितने परसेंट लोग बोलते हैं आई थिंक सेवन परसेंट बोलते हैं कितने परसेंट बोलते होंगे या ऑफ कोर्स बारह करोड़ तो खाली पंजाब के लोग हैं वहाँ तो सब पंजाबी बोलते हैं ठीक है आप जितने पठानों को देखो वो आपस में हमेशा पश्चो में बात करते हैं दिस वोड आई लव अबाउट पठानस एंड सिंधीज एंड बलोचिस ये जब मिलते हैं अपने लोगों में अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं पंजाबी उर्दू में बात कर रहा होता है क्योंकि इतनी शेम डाल दी है कि ये पेंडुओं की ज़बान है तो भाई पिंड का आदमी पिंड की जबान बोलेगा ना इंडियन पंजाबीज़ ऑनर देयर कल्चर सिख अपनी पकड़ नहीं उतारता वो अपनी पंजाबी नहीं छोड़ता वो अपना ट्रैक्टर लेके ब्रैडफोर्ड में भी घूम रहे हैं अल्ली वल्ली हमने जो है ना पता नहीं क्या बनना था वही ना धोबी का बन जाते फिर ना इधर के ना उधर के तो हम आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार इसीलिए हैं और फिर हम हम हैं क्या हमें बनाया क्या जा रहा है वो नेशनलिज्म के उस उसमें पैराहन में लाने के लिए भाई सब पे उर्दू लगा दी फिर उर्दू का यूजेज भी कोई नहीं है फिर आई आर नो मैन आई थिंक कोई लिंग्विस्ट स्पेशलिस्ट चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता है आई वुड लव टू हैव समन ऑन द पॉडकास्ट प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा कोई अगर कोई हु समर हु स्पेशलाइजे इन इन लैंग्वेजेज़ज़ज ताकि इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझा सकें वो ज़्यादा बेहतर समझाएंगे मगर अगेन पॉइंट बींग Uh, कि भाई जो दुनिया मांग रही है तो दुनिया के हिसाब से चलना ना कल को आप बोलो जी कोडिंग भी उर्दू में करनी है कोडिंग क्यों नहीं करते उर्दू में मैथमेटिक्स क्यों नहीं करते उर्दू में कैलकुलस उर्दू में क्यों नहीं करते एल्गोरिदम क्यों नहीं बनाते उर्दू में खली वल्ली यार तो भाई जो दुनिया का एक चल रहा है उसके साथ चल रहे नहीं जी हम तो ये नहीं करेंगे तो ना करो बैठो वेले बैठो फिर ऐसे थोड़ी होता है यार दुनिया के साथ चलना होता है अब दुनिया में जिनका राज है फिर उनके साथ चलना मजबूरी आपकी जब आपका राज था तब उर्दू कर, कराते थे, थे पूरी दुनिया में यूरोप में फैला देते मिर्जा गालिब के खतूत नहीं फैलाए इधर से ही फुर्सत नहीं थी बेबियों से फुर्सत नहीं थी ताजमहल से फुर्सत नहीं थी समझ रहे यार ये इन चीज़ों से निकले और दुनिया के साथ चलें सो आई विश यू वेल सर आई होप आप यू मेक गुड यूज़ ऑफ द एडवाइज आई शेड प्लस आप में से अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो ज़रा कमेंट में अच्छे और तरीके बताइए आप में से किसी ने इंग्लिश सीखी हो बड़ी उम्र में आके देखिए बचपन में तो सीख सीखना अलग है अगर आपने वाकई अपने आप को चेंज किया फ़र्स्ट ईयर इंटर में आके बहुत से लोग हैं अंग्रेज़ी सीखते हैं बहुत से लोग मदरसे के फारग तहसील होते हैं वो तो क्लास एट में आके शुरू करते हैं पढ़ना तो ऐसे भी लोग होते हैं जो लेट शुरू करते हैं बट अडोप्ट कर लेते हैं तो आप भी ज़रा अपने तरीके लिखिएगा कि आपने किस तरह किया ताकि और लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें शुक्रिया और जी नेक्स्ट ई मेल से नर्वस नो मैट हाई सर एम ए यू एस सिटीजन हु इज बिल लिविंग इन इस्लाबाद एंड कराची मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई ट्रेवल टू फिफ्टीन कंट्रीज़ एंड स्टिल वॉन्ट टू स्पेंड the rest of my life exploring this world i currently live in the uae with my husband and we have a baby we'll be moving to us as soon as my spouse gets his visa the problem is that i'm confused which state to move to initially we will be starting our lives from scratch we have some savings but i still feel nervous about moving to another country i have processed my thoughts and realized that my anxiety with this migration is attached to the events that happened when i was 8 years old my parents had been invited to us from canada where we were living for 10 months as an immigrant but weather was harsh for better opportunities by my maternal uncle uh, we were staying there for 2 months my mom was 6 months pregnant and they rudely asked her to leave the house because they were disturbed my father was so hurt that he didn't stay back for my siblings uh, birth, even though more than ten friends and family members asked us to stay with them till we get stable or at least my sibling was born. On the on the side note uh, that I've not seen my father take favors from anyone in all my life. When we were staying there, my dad uh, did so many things for them: painted their house wall, gifted their kids, mom cooked and whatnot. Even my uncle's own family friends asked us to stay with them. My uncle apologized multiple times in the following years for what he did, and we forgave him. After almost twenty years, I visited US for some document-related issue, uh, and another event occurred that my other maternal aunt, who used to visit Pakistan and stay with us for two months, and we were always uh, have her uh, hospitality to another level for them she was rude saying that i shouldn't be expecting any support etc even though i never asked for it she discouraged us so much by saying wrong stuff about my family that i felt the same feeling when i was 8 i have cousins including her children who were extremely kind and encouraging that they told me to ignore everything and believe that they'll be helping in any case the thing is that i, I want to be independent and want to get a house before i move to us and sending my husband first is not an option that's what the lawyer told. I have a baby, which is why I'm more concerned. I want to move to California, and we have job opportunities there for us biomedical engineer, husband, and BC BSCS myself. But the first few months are just making me panic. I cannot start a job right now in UAE because of the overwhelming babysitting. Although I'm still trying to find options before I move. Please suggest how I can get over my anxiety and be productive and excited about this change in life, as I always have been in all phases of my life. I'm ready for new adventures, but most relatives, no matter where they live, have always been the best to demoralize uh, in every possible way. Furthermore, could you please suggest if I should move to Texas initially, as some say California is expensive, or should I uh, go to California directly? Thank you in advance. I hope this email finds you well. Your fan from six years. uh, Thank you. I say first of all you have uh, a terrible set of uh, relatives and uh, again you're not alone. They're like uh, it it averages far more than it should. Or hota ye hai ki some people in our society जो जो ऊपर होते हैं ना वो ऊपर-ऊपर से जरूर show करते हैं अपना concern ओ अल्लाह बेहतर करे ये करे वो करे. But when you start to get better, they're like ये बेहतर क्यों हो रहा है? राइट और फिर उनकी डीप डाउन इनसिक्योरिटीज आती हैं अच्छा गाड़ी कौन सी चला रहा है ये तो हमसे आगे निकल जाएगा या फिर वो अपना काम छुपाते हैं अगर वो रिटेल जॉब करते हैं या गैस स्टेशन में काम करते हैं तो वो नहीं बताते uh, फजूल की इनसिक्योरिटीज है हैं तो सम पीपल वांट यू सम पीपल लाइक टू शो कंसर्न बट दे वॉन्ट यू टू स्टे वेर यू आर कि वो तर्स खाते रहे हाय हाय इसकी बदनसीबी बदकिस्मत ये वो ये वो बट जब आपकी किस्मत चमकने लगती है लाइक ओ शर्ट ये क्या हो रहा है आई डोंट आई डेंट आस्क फॉर इट यू नो आई एम सेंग तो तो इस तरह के लोग बहुत होते हैं तो जैसा कि आपने पहले इंस्टेंस में बताया जब आपके फादर मूव हुए अमेरिका और वो काफ़ी खुददार शख्स मालूम होते हैं कि उन्होंने घर भी पेंट करके दिया और मतलब कोई एहसान नहीं लिया किसी का ज़िंदगी पर तो वही आपके अंकल कुट सी दिस थ्रू के यार अगर ये यहाँ सेट हो गया तो हमसे आगे निकल जाएगा क्योंकि हमारे ख़ानदानों में वाह वाह की होती है सबसे ज़्यादा पैसे वाला होता है सो नो बडी वॉन्ट्स टू गिव दैट पोजिशन टू समन एल्स राइट तो सबको अपना बाबा ऊपर चाहिए तो ये मैार हैं हमारी सोसाइटी के अब वो चाहे कहीं भी रहें निकले तो यहीं से है ना तो गंद कहीं से भी निकले गंद ही होता है आ, कहीं भी पहुंच जाए निकला निकला अगर ट्रैश कैन से है तो वो ट्रैश ही रहता है तो वही चीज़ आपकी आंटी ने भी की अगेन पीपल लाइक टू कंपेयर इफ नॉट दम बट देर किड्स के ओ ये अगर यहाँ सेट हो गई इसने तो बी एस सी एस किया हुआ है शोर भी बायोमेडिकल इंजीनियर है ये तो सेट हो जाएंगे हमारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे फजूल की जलसी है और इसी में रहते हैं देखें मेरा ये मानना है कि जितने हमारे डोमेस्टिक इशूज़ हैं ना इन सब की अगर जड़ में जाएँ एंड आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स टू एड्रेस द रूट कॉज रान ऊपर से सुपरफिशियल वो है फ़रागत हम हमारे लोग फ़ार बहुत हैं बहुत फ़ार हैं इन पर मैं मैं चाहता हूँ कि इतने टैक्सेस लगें कि इनके पास टाइम ही ना हो तीन तीन नौकरियाँ करते रहे आई आर द राइट थिंग टू से बट यू नोट एम सेंग फरागत है इसीलिए दूसरे के घर में झांकने का टाइम है इसीलिए दूसरे की जेब में नज़र रखने का टाइम है और वो उसमें ही उड़ते रहते सुबह आई वॉज डिस्कसिंग सम फैमिली मेम्बर्स विद माई मॉम और मैं यही कह रहा था कि दे स्पेंड देर एंटायर लाइव वॉचिंग अदर पीपल सक्सीड एंड लाइक बैक बाइटिंग और ये वो यही टाइम और यही फोकस अपनी तरक्की में लगाया होता तो आज वो भी एक मकाम पर होते लेकिन नहीं वो चाहते हैं कि यार आ, उसने क्या किया उसने क्या किया उसी में पूरी ज़िंदगी और फिर बेचारगी में रहना कुछ है नहीं कुछ चलता नहीं है ज़िंदगी में ये है वो है वगैरह वगैरह सो सो दिस कुड बी द रीजन फॉर योर रिलेटिव टू बी एक्टिंग द वे दे डेड दूर से बड़ा कंसर्न शो करेंगे एंड अगेन आपकी बात सही है जब वो बाहर से आते हैं दो दो महीने रह के जाते हैं और फिर जब वहाँ बाहर ही आती तो दे बिकम ओ या तो अमेरिका या तो किसी के पास टाइम नहीं है और यहाँ घर छोटे हैं घर घर तो छोटे नहीं अमेरिका में एटलीस्ट नॉट इन टेक्सिस सो so, हमारी स्पेस है और ये है और यहाँ आके पड़े रहते हैं दो दो महीने और ये बिल्कुल इट्स वेरी कॉमन रही बात मूव कहाँ है आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट बिकॉज मेरी अमेरिका की नॉलेज बहुत लिमिटेड है आई विन टू टैक्सिस अलॉट एंड आई रियली लाइक फ्रॉम द देसी स्टैंड पॉइंट अगेन मैं वैसे तो एडवाइस करता हूँ कि जाती देसी से दूर होना होता है मगर कुछ लोग चाहते हैं कि भाई कम्यूनिटी हो कम्यूनिटी uh, फीलिंग हो मस्जिद uh, का आना जाना हो और ये सारी चीज़ें हों Uh, नेहारी भी चाहिए अशर्स की निहारी बड़ी मशहूर है यूस्टन में इट्स द बेस्ट नारी एव हैड आउटसाइड पाकिस्तान सो सम पीपल लाइक दैट सो अगर वो है तो यूस्टन अ वेरी गुड ऑप्शन वहाँ पर आपको कम्यूनिटी भी बड़ी मिलेगी थ्राइविंग लोग भी मिलेंगे बट अगेन ये आपकी किस्मत है कि आप किस टाइप के आ, लोगों में उठना बैठना पसंद करेंगे वहाँ मैं मिला हूँ बहुत से लोगों से जो कि यहाँ यूनिट इंचार्ज थे वो वहाँ जाके भी उनकी हरकतें उसी टाइप की हैं इस टाइप के लोग भी बहुत हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं Like I know a doctor. She's wonderful. She's very entrepreneurial and very enterprising. She's done so well for herself. Uh, and the the reason why she and I uh, get along is because वो mm -hmm. mm -hmm. the community So वो कहती भाई drama mini नहीं bags or jewellery and like you know I have business to take care of and I want to like retire uh, soon so I can enjoy my life. अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग है हालाँकि डाव से पढ़ के गई हैं कुछ लोग अडॉप्ट कर लेते हैं बाकी लोग वही हम टीवी के ड्रामे और वही ए आर वाई वो, वो उनकी ज़िंदगी वही वही रहती है एनी वे फ्राम दैट स्टैंड पॉइंट येस टेक्सिस इज़ गुड कैलिफोर्निया इज़ सुप्रीमली एक्सपेंसिव बट वहाँ फिर भी लोग रहते हैं बट इट ऑल डिपेंड्स के आपको पे ग्रेड क्या मिल रहा है या क्या टैक्स कट्स मिल रहे हैं वगैरह वगैरह अच्छा जो आपने बात की कि इवन दो योर लॉयर एडवाइस कि पहले हस्बैंड जाएँ बाद में आप जाएं ये एडवाइस बिल्कुल सही है और ये मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी इसी तरह फॉलो किया है पहले साहब जाते हैं जायर मामला देखते हैं घर कहाँ लेना है स्कूलिंग के बारे में रिसर्च करनी हो या फिर दूसरी चीज़ें हों एंड फिर जब एक साइकिल चल पड़ती है इकोनॉमिक साइकिल जॉब वॉब लग जाती है देन इट्स द राइट वे कि चलो जी घर अभी हो गया है फर्नीचर वर्नीचर थोड़ा बहुत है आ जाओ और फिर अब हम अपना घर खुद सजाते हैं तो दैट्स द राइट वे टू डू इट क्योंकि देन साहब जो हैं उन वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो के माइंड रख के विदाउट फेयरिंग यार घर में बच्चा रो रहा होगा अभी दूध भी लेना है पैम्पर भी लेना है वहाँ जाके दूध पैम्पर की टेंशन नहीं चाहिए वहाँ जाके चाहिए कि यार यहाँ पे मैंने ठिकाना बनाना है आई हैव बर्नड माई बोट्स और अब मैं इस आइलैंड में आ गया और मुझे यहीं रहना तो वेयर डू आई सर्वाइव तो नोइंग दैट यू नॉट देयर विल अलाउ हिम टू थिंक फ्रीली यू नोट आई एम सेंग वरना शाम को आके फिर वही डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगी तो मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ एंड स्पेशली वेन यू हैव अव बॉर्न न्यू बॉर्न के साथ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो लेट दिस हैपन बेबी सेटिंग इफ यू कैन मैनेज ऑन योर ओन इन दुबई और यू कैन गेट अ लॉड ऑफ हेल्प इन दुबई वो हेल्प आपको वहाँ बहुत महंगी मिलेगी टेन फिफ्टीन डॉलर्स एन आर मिलेगी यहाँ पर तो कम अज़ कम आपको ये फ़िलिपीना बेबी uh, सीटर हायर कर सकती हैं यू नो आपको अच्छे उसमें मिल जाते हैं बेबी सीटिंग कंपनीज भी बहुत हैं दुबई में तो यू कैन गेट हेल्प दैट दैट वे बाकी कौन सी स्टेट ज़्यादा बेहतर है जितने अमेरिकन सुन रहे हैं जहाँ जहाँ आप रहते हैं वाई डू लिव देयर एक पैराग्राफ में लिख के बता दें। वाई डिड यू मूव टू दैट आई नो सम पीपल फ्राम एटलान्टा रेगुलरली फॉलो मी सम पीपल फ्राम औरगन रेगुलरली फॉलो मी न्यूयॉर्क वाले भी हैं कैलिफोर्निया वाले भी हैं टेक्स वाले तो बहुत हैं तो आप अपनी अपनी स्टेट का आपको क्या फ़ायदा हुआ वहाँ आके क्यों आपने वो चूज़ किया था क्या वजूहत थी ये सारी चीज़ें एक एक पैराग्राफ में लिख दें ताकि इनको आ, रहनुमाई हो सके आ, तो ये बड़ा ज़रूरी है मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है अमेरिका का बहुत ज़्यादा मैं ये बता सकता हूँ कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है न्यूयॉर्क में आपको ढाई हज़ार डॉलर में एक डब्बा मिलेगा जिसमें आप का किचन और आपका बाथरूम साथ ही होगा तो वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है तो ये नहीं करना आपने आ, बाकी आई होप द मूव सर्व्स यू वेल और uh, हजरत में बरकत हरकत में बरकत है और हजरत सुन्नत भी है और अल्लाह ताला आपकी किस्मत दराज करे वहाँ पे एंड आई होप यू गाइस थ्राइव इन द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और बहुत दुआएं आपके लिए ठीक है अपना ख्याल रखिएगा शुक्रिया right, जी नेक्स्ट ईमेल साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग इज ब्यूटी अ कर्स और अ प्रिविलेज एक खातून ने भेजी है हेलो जुनेद भाई इट्स एबीसी फ्रॉम कंट्री इन द वेस्ट उन्होंने मना किया नहीं आ, आ, बोलना अमेरिका में है, बस इतना बता सकता हूँ ओरिजिनली फ्राम एक शहर पाकिस्तान में okay my question is is beauty a privilege or a curse let's dig back to my story and personality i belong to a rich family in pakistan with brothers who are immensely supportive i call them my guy buddies and mom who is a working lady despite all the comfort my dad provides she still chooses financial freedom proud of her now let's talk about me i'm 5'4 with greenish blue eyes athletic body and a fair skin not windbagging about it because uh, it's a profanity for me since my childhood. Uh, childhood, uh, and I've been sexually harassed by a carpenter working in our house when I was seven. I was again sexually harassed by my tuition teacher for two and a half years from the age of seven uh, and a half till I was 10. He used to touch me inappropriately and rub his thing on my uh, butt every other day. Once I confronted, I I'll tell my mom. To which he replied, "You'll get the blame." I stayed shut to this day. No one knows. He left the job a year after, uh, before I hit puberty, or I don't know what he would have done to me as a teenager. One day I saw his Facebook profile where he uploaded religious quotes, verses, etc. Such a hypocrite. Whereas, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको. खास तौर Facebook page. जो आपको Uh, अगर आप मेरी ही प्रोफाइल पे चले जो जो गंदी से गलीज तरीन गालियाँ देंगे आप उनके प्रोफाइल में जाएंगे आपको रिलीजन भरपूर मिलेगा वहाँ मुझे समझ नहीं आता ये लोग सीखते क्या है उससे ये इट्स इट्स अ गार्ड ये जो इंसान गंदा होता है देखो इंसान को पता होता है वो अपने आप से जुट नहीं हो सकता उसको पता होता है वो कितना घटिया है कितना गलीज़ है कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता वो समझते हैं नॉर्मल है तो वो उसको छुपाने के लिए दे वेयर दिस क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमने दिया हुआ है एक टिकट टू पैसेज दिया हुआ है सबको कि आप जो है एक इस्लामी आउटलुक ऊपर से अपना लें तो आपके सारे गुनाह माफ़ हैं या फिर ये कि आपको इतना जज नहीं किया जाएगा और आप तो हाजी साहब कहलाएंगे वगैरह वगैरह और लोग फिर इसकी आड़ में बहुत सारे गलत काम करते हैं नॉट ब्लेमिंग द रिलीजन ऑब्वियसली नॉट ब्लेमिंग द पीपल हु हैव दिस आउटलुक बट इसको लोग मिस यूज़ करते हैं और मैन वेमेन बोथ बुरका जो है प्रॉस्टिट्यूशन में बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें सामने नज़र कोई नहीं आता एंड आप जितनी भी मैं स्ट्रीट्स के नाम नहीं लूँगा फिर लॉन्डे बाइकें लेके पहुँच जाएंगे वहाँ मगर कराची में भी हॉट स्पॉट्स हैं आप जाएँ रात के किसी टाइम जाएँ बहुत से दो तो दिन में हॉट स्पॉट है, हैं बहुत सी मशहूर जगहों पर हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर आपको इस तरह की खातानी बुरक़ों में मिलेंगी बिकॉज इट प्रोवाइड्स दम सिक्योरिटी Anyway, teen years. I don't know how to start. The, these were and are my traumatic years. Uh, number one, when I was 14, I joined an academy. The stare I used to get was so evil that being a modern girl asked her mom to give a scarf to cover her chest. They used to wait outside and scan me from top to bottom, and not just that, flooded my DM. With creepy messages. Number two, talking about DMs. They were flooded by the guys living in my neighborhood to a point I halt myself from walking or even just stepping inside uh, my own car outside my house. Number three, I got into a relationship with a guy living next door, probably my worst and most traumatic mistake that I'm still single. He used to brag how pretty you are and I'm the lucky one to get you, sugar coating, and he was uh, the flea. Him being a typical Pakistani guy told the entire neighborhood that I'm his girlfriend, to which the other guy got green uh, w uh, with envy. He DM'd, followed, m and gawked me. My ex-boyfriend asked to meet me at a house when no one and servants were not at home. Stupid of me to say yes. The creepy guy offered him the creep. Creepy guy offered him ten thousand to let me go inside instead of you, which he said yes. He came and was uh, uh, about to be raped. Uh, uh, after intense touching but my brother came home i could listen the car wheels and i had a relief he ran from the back door and took my phone i broke up and the creepy guy still used to text me all the time saying i would tell your parents about the relationship uh, or, or that you had sex with me i ignored and blocked him one day he told my brother that i meet boys every day to which my brother had a fight with him he came home instead of shouting or saying anything he told my big brother for the context. They live abroad and are not married. And they asked me, You have a sudden change in behavior. You want to tell us something? And I told them. They protected me, and the creepy guy with his family said sorry to my family. How good of them to support me instead of that honor thing in Pakistan. Moreover, my parents sent me abroad. I have a dual nationality, and I study. I have a house, and I live alone here. I hate my nationality thing, uh, but now everybody knows, and keep sending proposals or telling me you're pretty, etc., etc. The proposal thing is so bad that my brother says men fell in love with you like it's a joke. To which I say, indeed it is. In addition, life is perfect here. I wear skirt. I walk around. Uh, I find cute coffee shops uh, and play sports like my mom. She was a professional athlete back then before having my brother. In short, leave Pakistan. Conclusion. Do you think it's a curse? And sorry about the long email prayers uh, to my first patron subscriber. Just today. Oh, thank you so much. Uh, thank you for your email. Uh, I'm very really sorry to hear about your experiences uh, growing up. Um, और ये बारह मैंने अपनी डिफरेंट एपिसोड में भी कहा है कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेस टू रेज योर किड्स बिकॉज किड्स आर वलनरेबल एंड ज़ाहिर है बच्चा जो होता है वो एक एक्सप्लोरेशन एज में होता है वो बाहर भी जाएगा गली में भी खेलेगा बट यहाँ पर बिकॉज देर आर देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड प्रोडक्शन प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन तो खैर बहुत है प्रोटेक्शन नहीं है नो पन इंटेंडेड तो किड्स आर वलनरेबल और फिर दे गेट टू अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेज वर दे आर अब्यूज मेंटली फिजिकली इन एवरी वे पॉसिबल एंड देन कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम है नहीं ना ही कोई इस तरह के लॉज लॉज ज़रूर होंगे इम्प्लीमेंट नहीं होते और फिर घर में अगर बताया जाए तो उल्टा बच्चे को थप्पड़ पड़ता है जिस तरह इंडियन फिल्मों में जो विलन का आदमी आके बताता है कि इंस्पेक्टर सक्सेना ने हमारा माल पकड़ लिया है तो उसी को पहले थप्पड़ मारता है अरे वो तो रिपोर्ट करा उसको प्रमोशन दे बाकी सब वहाँ खड़े हैं गन लेके उसको प्रमोशन दे तो आ, तो इस वजह से व्हेन पीपल नो कि इसके साथ शेम इंड्यूस्ड है और आ, फैमिली ही उल्टा शर्मिंदा होगी तो जो परपेट्रेटर्स होते हैं जो प्रेडिटर्स होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और पाकिस्तान में चाहे आप लड़के हों या लड़की हों अगर आप एक टेंडर एज से गुजर रहे हैं प्री प्यूबर्टी की अगर आप एज है इवन प्यूबर्टी अर्ली टीन्स इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी इन इन पाकिस्तान एंड आई डोंट नो एनी चाइल्ड आई डोंट नो एनी हु हेज गॉन थ्रू एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज़ इन देयर चाइल्ड हुड इंक्लूडिंग माई सेल्फ तो ये बहुत कॉमन है और uh, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं अगर आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो आप क्या करेंगे मैं कहता हूं भाई ये सवाल अमेरिका के लिए पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं होती प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हो तो उसमें मेरा जो सबसे पहले होगा ना वो ये होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम क्योंकि अभी जो बड़े हैं ना जो एडल्ट हैं वो तो नल्ले हैं क्योंकि वो भी वही चीज़ें पढ़ के आए हैं वही सोसाइटी तो ये तो माइंड को चेंज करना बहुत मुश्किल है जो बच्चे हैं उन पे आप काम करें क्योंकि फिर 20 साल बाद वो रिज़ल्ट देंगे तो मेरा फोकस ही बच्चे होंगे सबसे पहले चाइल्ड लेबर बैन सज़ा लटका दो साल जिसने बच्चों से काम कराया है होटल वोटल में आठ आठ बच्चे पैदा करते हैं और फिर चाय के होटल पे वही बच्चा वेटर बना हुआ होता है फिर वो बच्चे को आगे पीछे लोग हाथ भी लगा रहे होते हैं कोई प्रोटेक्शन नहीं कोई कुछ नहीं तो सबसे पहले बच्चों की प्रोटेक्शन और इतने स्ट्रिक्ट लॉस के आंख उठा के ना देखे कोई बच्चों की तरफ तो आई एम रियली सॉरी यू हैव टू गो थ्रू दिस बट इसमें जो अच्छी बात है अब मैं वो शहर का नाम जाहिर नहीं ले सकता बट uh, देखें अच्छे हर किस्म के लोग हर शहर में होते हैं लेकिन इनका ताल्लुक जिस शहर से वहाँ पर ज़्यादातर कंजर्वेटिव लोग होते हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव लोग होते हैं वहाँ पे इस किस्म के भाइयों का होना जिन्होंने आपको ऑनर के नाम पे कत्ल नहीं किया उल्टा आपको बचाया और आपकी फैमिली ने आपको इस हेल से निकाला जिसको लोग में मदीना कहते हैं वहाँ हर बच्चे के लिए हेल है ये जगह खैर तो या वो कहता ना पाकिस्तान का मतलब मदीना ही होता है कि पा जो है पाक और स्थान जो है सिटी को कहते हैं वो वो एक चल रहा है यही मंजन सुन सुन के हम बड़े हुए हैं अरे भाई इट्स अ इट्स अ करप्ट सोसाइटी है डाट सेट और कुछ नहीं है लॉलेस एंड करप्ट सोसाइटी वो ये जी अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है ये राज खुल चुका है भाई दुनिया को पता गया क्या है ये ये मंजन है खाली तो एनी वे आई एम ग्लैड यू मेड आउट ऑफ दिस कंट्री अब ये जो आपकी बात है कि कर्ज है कि नहीं है Uh, आपको लेफ़्ट राइट सेंटर प्रपोजल आते हैं बिल्कुल इन इन योर केस इट्स अ कर्स बहुत से लोग अगेन इट्स टू ईच दे ओन कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं कुछ लोग इसको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं uh, खूबसूरत इंसान जो होता है चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है uh, वो एक, ए, 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 एक ट्वीट थी कि प्रटी गर्ल्स प्रटी पीपल या गुड लुकिंग पीपल थिंक द वर्ल्ड इज़

जहाँ पे वो एक गौरी लड़कियाँ टीनेजर एजर लड़कियाँ पेट्रोल स्टेशन पे गई ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ एक इंडियन बंदा अंगूठी लेके बैठा हुआ गुड डे में वो बेचारा उसका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो रहा होगा तो वो अंगूठी लेके घूम रहा था देखी थी तुमने मेरी स्टोरी पर तो वो बेचारे ये भी केसेज़ होते हैं अब आप ज़ाहिर है माशा अगर आपके पास अमरीका का पासपोर्ट है तो आप दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन औरतों में शुमार है आपका तो जाहिर है पीपल वुड वॉन्ट टू बी विद यू एंड अब ये प्रपोज़ल जो आप कह रही हैं इस तरह ये आई एम अज्यूमिंग ये देसी लोगों की तरफ से ही आ रहे हैं डिस्पाइट आपने नैश्नलिटी छुपाई हुई है आ, उसके बावजूद आ, इस रीजन से ही आ रहे होंगे आ, क्योंकि इस तरह की डिस्परेशन वही दिखाते हैं विदाउट नोइंग आप कैसे प्रपोजल भेज सकते हो किसी को तो अगेन आई डोंट नो उनके क्या रीज़न है मे बी दे रियली लाइक यू बट देन दे नीड टू नो यू ना अब ब्यूटी तो आपकी आज उनको अट्रैक्ट कर रही है विच इज़ वाई देयर प्रपोजिंग यू बट ऐश्वर्या राय हमारे लिए ऐश्वर्या राय अभिषेक की वो बीवी है राइट right? तो एक पॉइंट के बाद ब्यूटी और ये सारी चीज़ें बैकबर्नर पर चली जाती हैं फिर आप ख़ुद क्या हो वो होती है और फिर इंसान जब एक बार ब्यूटी से बोर हो जाता है तो फिर वो कहीं और देखता है फिर वो दूसरी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है और फिर वो परस्यूट कभी ख़त्म होता नहीं है क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ मच बेटर लुकिंग वुमेन आउट देयर ऑलवेज इज़ द केस राइट सो इज फॉर द मैन एज वेल तो अगर आप खाली लुक्स के पीछे वाले जो जो शैलो लोगों की अप्रोच होती है वो फिर वो शैलो ही रहता है वो फिर इधर उधर होते रहते हैं ज़िंदगी भर एंड दैट्स नॉट द वे टू बी बाकी ये कि आई आई एम ग्लैड दैट यूर इंजॉइंग योर लाइफ यू वेयर योर वॉट यू वांट आप कॉफ़ी शॉप्स पर जाती हैं स्पोर्ट्स खेलती हैं uh, मैं आपको इंकरेज करूँगा कि इसी तरह की आप uh, अपनी रूटीन रखें वेयर यू आर मोर आउटडोरज एथलेटिक इन्जॉय लाइफ टू द फुलस्ट स्टे इन शेप यू नो अगेन मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा कि एक परसपशन बनावे के यही शेप रखना है आई एम जस्ट सेंग हेल्थ वाइज बिकॉज जितनी आप मूवमेंट हरकत में बरकत इसलिए है कहते हैं ना भाई एक्सरसाइज करो जिस दिन हो आप वॉक करो आपका मूड अच्छा होता है ऐसा है कि नहीं क्यों मुझे साहब ऐसा ही है आइडियाज भी आते हैं हरकत में बरकत है स्टे एक्टिव शेप से मुराद स्टे एक्टिव तो एक्टिविटी जो है ना वो आपको दूर रखेगी दूसरी चीज़ों से और जितना ज़्यादा थकेंगे उतनी आराम से नींद आएगी वरना पूरी रात बंदा पंखा तकता रहता है और फिर उसके बाद उसको अजीब अजीब ख्याल आते हैं फिर पुराना ट्रॉमा भी याद आता है डिप्रेशन में जाते हैं इंसान फिर आगे की एंग्जाइटी भी आती है वगैरह वगैरह अब ये जो आपके नेबरहुड में जो हरकतें हुई अब ऑबवियसली इट्स थर्ड क्लास हरकत है एंड अगेन नॉट सरप्राइज मुझे अब तो ये मुल्क सरप्राइज़ ही नहीं करता और यहाँ पे लोगों की हरकतें बिल्कुल सरप्राइज नहीं करती दे कैन गो एट एनी लेंथ हिपोक्रेसी uh, की किसी भी लेंथ पे जा सकते और जैसा कि आपने लिखा कि वो साहब ट्यूशन टीचर जो हैं आपके बाकायदा आयतें पोस्ट कर रहे थे वो इसलिए पोस्ट कर रहे थे बिकॉज़ यू आर नॉट दी ओनली विक्टम ही ही मस्ट बी डूइंग दिस टू अट ऑफ पीपल और इससे पहले उन पर उंगलियाँ ऊँटें जब लोग प्रोफाइल पर जाएंगे बोलेंगे माशाला यार य तो ख़त्म नबूत पर भी बिलीव करते हैं और माशाला इन्होंने गुड मॉर्निंग में भी आयतें लगाई हुई हैं जुम्मा मुबारक सूर्य का की तस्वीर यू you नो know? ये ये लोग करते हैं लोग इसको ऐसा टूल यूज़ करते हैं और ऐसे लोगों को मैं बहुत जज करता हूँ अगेन ये आपको और अल्लाह का मामला है कुछ लोग फिर इसको इस आड़ में करते हैं कि भाई हम तो इसलिए लगाते हैं कि और भी लोग इंस्पायर होके ये चीज़ करें बट देर इज़ अ फ़ाइन लाइन बिटवीन इंस्पायरिंग अदर्स और एंड कमिंग अक्रॉस के देखो मैं कितना नेक हूँ मैं कितना अच्छा हूँ तुम लोग तो सारे ऐसे हो वगैरह वगैरह और पीपल इसको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं हमारी सोसाइटी में मोनिटरी uh, गेंस के लिए या किसी भी किस्म के सोशल कैपिटल के लिए दे यूज़ रिलीजन ऑल द टाइम और ये बेस्ट टूल है यहाँ पे मैं आज देखें ना आज भी मेरे नौ लाख छियासठ हज़ार सब्सक्राइबर हैं मेरे मेन पेज पे मैं आज मंजन बेचूँ नेशनलिज्म का और और मज़हब का चूरन बेचूँ देखें मैं आपको चार मिलियन एक साल के अंदर करके दिखा सकता हूँ कुछ नहीं करना दाढ़ी थोड़ी सी और करनी है मुझे साफ करनी है और मंजन मंजन करना है ऐसा ही है भाई और पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है हिंदुस्तान मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद यही तो करना है फिर आप आप कामयाब यूट्यूबर हैं इस मुल्क के मंजन नहीं बेचना ना हमने जो रियालिटी उस पर बात करनी खैर आई एम ग्लैड यू आर आउट ऑफ योर डिस्कम्फर्ट जोन एंड आई होप यू थ्राइव वेल इन योर करियर एंड इन योर लाइफ बहुत सारी दुआएं आपके लिए एंड थैंक्स फॉर पेट्रन and uh, inshallah whenever i'm in your town i'd love to meet you and others in that area as well it's a popular city where you are just for the context to other people wahan pe bahut fans bhi hain so inshallah very soon apna khayal rakhiyega and uh, isko as a curse na le curse Aur, uh, लोगों ने बनाया है अल्लाह की देन है खूबसूरती भी अल्लाह की देन है अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह आपको सुकून दे और बहुत सारी दुआएं आपकी ठीक है अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू और नेक्स्ट वन इज फेयरफुल टू लिव विद अन एजुकेटेड पार्टनर बाई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल प्लीज नोट दैट आईव रिटन यू एन ई मेल प्रीवियसली इफ यू आंसर दैट देन प्लीज इग्नोर दिस ई मेल नहीं मैंने पिछली बारी नहीं पढ़ी आई एम ए बी फ्राम बलोचस्तान आई एम ट्वेंटी टू फ्राम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन पंजाब लर्निंग On scholarship. Alhamdulillah, I am the first person in my family, even in my community, to study in a university, which is a common situation in Balochistan, unfortunately. I'm also earning a little through Amazon service providing. I was engaged without my consent with my cousin's daughter when I was in the middle school. Oh God. It is uh, a good and respectful family. All my other brothers have married, and I'm the youngest. I want to be an example uh, for my entire community for providing. Uh, by proving the power of education and hard work, and I have goals and dreams to achieve, which will t take some years. I have two issues now. Number one, my family is asking me to marry and continue education further after marriage. I am not ready to mingle right now because there is so much to learn and do, as I am the only person who is at least trying to get higher education. I am unable to take such a responsibility presently because I do not want any constraints in the way of my dreams. Moreover, my fiance is totally uneducated and we have no compatibility except she is a bit beautiful. I have decided to go abroad for higher studies on scholarships and will try to settle there. Practically speaking, how can an uneducated person live in a developed country with zero knowledge of technology and digital gadgets and have no hope to learn any other language? I am totally focusing on my goals and I do not want to sacrifice myself for my Khandaan izzat hopefully i can refuse to marry her i have seen my fiance from afar though we have not talked she's beautiful caring and simple person this is my perception from the distance uh, from the lens of others my family loves her apparently she has imagined me as her life partner and everything she will be hurt and her feelings will be ruined if i reject and i'm unable to have an ex her ex experience this trauma if i delay the marriage until i am ready i don't want how will i spend my life with her because i want a person who has some goals and if she does not have but she uh, but she's educated and practical she might be a helping hand for my work because i do not want a child bearing machine and a servant for me and mostly uneducated people uh, are unromantic have no idea about entertainment and they consider that love is only having sex Apparently, she has imagined me as her life partner and everything. She will be. Uh, I miss something as I don't like having an energy partner. I want a person who could inspire and support me as I, d I will do with her, hopefully. And if she doesn't have any goals, I could at least include her with some mutually. Productive goals for us, but living with a person with no ambition, zero knowledge of books, and other matters is out of question for me. We won't be able to share ideas and productive thoughts because she is unable to read something or watch something entertaining because of language barrier. We are in a joint family, I am unable to live with my own illiterate family. How will I pass the rest of my life with her? I am so confused, sir. I like her a bit because initially I had convinced myself to marry her, but last. But at last, uh, now I think uh, this will be so difficult. If I refuse to marry, my whole family will criticize uh, at me for the whole life, and my family might be disconnected from her family forever, and that will be a destruction only due to me. Not only my relationship, but there are other relationships and bondings that will be ruined. Please suggest me what should I do. Thank you for reading my email. Uh, by the way, I learned so much from you. Thank you for educating us. Uh, Hudaafis. और right, ये एक साहब हैं स्कॉलरशिप में पंजाब में पढ़े हैं बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है बाईस साल के इनकी ज़बरदस्ती मंगनी करा दी गई अपनी कज़न से कज़न की बेटी से जिनको इन्होंने कभी देखा नहीं दूर से ही देखा है एंड हैव नो अंडरस्टैंडिंग एंड शी इज़ अनएजुकेटेड उनको ना कोई लैंग्वेज आती है ना उनके कोई गोल है अब ये जो आपने बोला ना कि वो अपने जहन में बना चुकी हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर हैं दैट्स बिकॉज बचपन से उनकी यही ट्रेनिंग कराई गई है कि बेटा तेरी तू तो बिल्कुल वर्थलेस है एक आदमी आएगा वही तुझे ज़िंदगी में कोई वर्थ देगा और फिर उसके बाद उसकी वजह से तेरे बतन से जो बच्चा निकलेगा वही तेरी इज्जत का नासिर होगा और दैट्स ऑल योर रोल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई तीन करोड़ औरतें ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं कि उनका ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है उनकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू डिटरमिन होती है बाय अदर पीपल अटैचिंग टू हर वरना वो ख़ुद तो एक वर्थलेस आइटम है शौहर आएगा तो किसी की बीवी कहलाएगी इज़्ज़त होगी बच्चा करेगी ख़ासतौर पे बेटा तो सुप्रीम लीडर हो जाएगी समझ रहे हैं वरना वो तो ख़ुद तो बेकार है सो so, उसके जहन में यही शुरू से डाला गया है कि बेटा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है बस कोई आएगा वही तेरा सेवियर है तो वो ज़ाहिर है वो ड्रीम ही होगी अब एक गाँव देहात पर रहती कोई कोई गैजेट भी आप कह रहे नहीं चलाना आता कोई फ़ोन वोन भी नहीं है उसके पास तो वो ख़्वाब व ख्यालों में ही रहती होगी सोने का सरदार आएगा और सोने की चिड़िया लेके के घोड़े में बैठ के तलवार लेके तो पता नहीं घोड़े में क्यों बैठते हैं लोग एनी वे तो आप ख़ुद बेटा बहुत प्रैक्टिकल हो माशाल्लाह स्कॉलरशिप में पंजाब में पढ़ रहे हो जहाँ पे अपनी इतनी कम सीटें होती हैं आप दूसरी जगह से आके वहाँ पे क्वालिफ़ाई किया है और आप कमा भी रहे हो मुझे तो ये बड़ी खुशी होती है जो स्टूडेंट कमा भी रहे होते हैं और अमेजोन वगैरह चीज़ें आती हैं आपकी ज़िंदगी के बड़े गोल्स हैं देखें अभी आपने अगर शादी ये जो फैमिली की ना शादी कर लो फिर पढ़ लेना बेटा फिर नहीं होती पढ़ाई फिर पढ़ाई नहीं होती फिर आप जो है ज़ाहिर है एक रिस्पांसिबिलिटी होगी फिर आप ज़ाहिर उसके बार बार सोचेंगे फिर वो फ़ोन चलाना सीख ही लेगी फिर रोज़ फ़ोन करेगी कहाँ हैं आप मुझे याद आ रहे हैं वगैरह वगैरह क्योंकि क्लियरली शी इज़ नॉट डूइंग एनी थिंग तो जब वो कुछ या तो अगर भाई वो कोई काम वाम कर रही होती ना कोई प्रोडक्टिव होती तो दिन भर दिन उसकी कोई मसरूफियत होती उसके बाद टाइम ही नहीं होता सोचने का हाँ याद ज़रूर करती मगर इतना टाइम नहीं यहाँ वो वेली बैठी होगी वो फ़ोन ही करती रहेगी आपको फिर आप मुझ फिर अगर आप जो है इफ यू नॉट केयरफुल इनफ और प्रेगनेंसी हो गई और बच्चा हो गया फिर आप बेटर डिग्री तो भूल जाओ फिर आप चाइल्ड बेयरिंग में लग जाओगे तो अगेन मैं डिस्करेज नहीं करता मैं तो जाहिर है इनक्रेज करता हूँ लोग शादियाँ करें और एक अच्छा बॉन्ड मैं कहता हूँ अच्छी शादियाँ करें लोग अच्छे बॉन्ड में जाएँ इज्ज़त के साथ रहें और एक प्रोडक्टिव जनरेशन और एक तो आपस में प्रोडक्टिव रहे और एक फिर एक अच्छी जनरेशन इंश्योर करें हमारे यहाँ बच्चे धड़ाधड़ दाड़ हो रहे हैं वो किसी काम की नहीं हो रहे उनको ना सही न्यूट्रिशन मिल रही है एक तो वो इंसेस से हो रहे हैं ठीक है ना जो कि बहुत बड़ा कॉज है हमारे यहाँ मेंटल डिसेबिलिटी का स्टंटेड ग्रोथ का दूसरी बीमारियों का फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही हर साल बच्चा हो रहा है दूध ही नहीं बन रहा माँ का ठीक है ना माँ गायें थोड़ी कर रोज़ छः लीटर दूध देगी ठीक है और शहर में तो चलो फिर फार्मूला वगैरह मिल जाता है गाँव देहात में लोग क्या करते होंगे कभी सोचा इस बारे में गाँव देहात में लोग क्या करते हैं बच्चों को क्या खिलाते हैं तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती उनका दिमाग ही नहीं, नहीं ग्रो होता दिमाग नहीं ग्रो होता जिसम तो ग्रो हो जाता है जिसम ग्रो होता है फिर कोई स्किल नहीं होती कोई स्किल नहीं होती तो फिर या तो फिर इंसान क्राइम की तरफ जाता है या वो एक मीनियल सी जॉब करता है या किसी सरदार आ, या वडेरे के नीचे लगा रहता है और अब उसको अपनी पावर ही नहीं पता होती वो ख़ुद ही कभी नहीं होता गुलाम इबन गुलाम फिर वो शादी करके आठ बच्चे वो कर देता है फिर सो मैनी माउस टू फीड एंड सो लिटिल रिसोर्सेज फिर कहते जी मुल्क गरीब है तो मुल्क इसलिए गरीब है क्योंकि सही बच्चे नहीं पैदा हो रहे रिस्पॉन्सिबल फैमिलीज़ हमें चाहिए बहुत सारी ठीक है तो इसमें जो है आपकी बात सही है कि ख़ानदान का ताल्लुक टूट जाएगा ये बिल्कुल ऐसा ही है अब देखें जस्ट बिकॉज़ ख़ानदान है अपने फजूल के ट्रेडिशंस ले के चलते हुए आ रहे हैं और ये मैं हर हर इलाके के लोगों के लिए बोल रहा हूँ भाई ट्रेडिशंस आर डेड पीपल्स बैगेज कि जी हम फलाने हैं और हमारी ये हाँ। है और फ़लाना ढिमकाना डेड पीपल्स बैगेज है जो हम कैरी कर रहे हैं नहीं मुझे याद अपने दादा की शक्ल में क्यों उनका बैगेज लेके फिरता रहा भाई मैं आज की दुनिया का आदमी हूँ मैं आज की दुनिया की बात करूँगा आई विल रिस्पेक्ट देम ऑबवियसली मेरे फोर फादर्स हैं नो डिसरिस्पेक्ट टू देम वो ना होते और उन्हें ना सर्वाइव किया ना होता तो मैं आज ना होता उनकी टीचिंग्स डी में चलती हुई आई हैं तो थोड़ा बहुत जिंदगी में कुछ शूर है समझ रहे हैं वो अपनी बात ठीक है मगर अब मैं उनके फजूल के ट्रेडिशन जो उस वक्त किसी ज़माने में वैलिड होंगे मैं आज क्यों अप्लाई करूँ भाई आज की दुनिया के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं राइट अब वो नाराज़ होते हैं अब आप देखो ना यही तो गिल्ड से ब्लैक होते हो कि जी खानदान में नाक कटेगी हमें अलग हो जाएंगे चाचे ताए छोड़ जाएंगे अकेला कर देगा तू तो बाहर चला जाएगा हमें यहाँ कोई मुंह लगाएगा वगैरह वगैरह इस सब की वजह से आप क्यों अपनी ज़िंदगी भर बात करें बिकॉज दिस इज़ टोटल सुसाइड आप अगर प्रेशर में आके कर लेंगे आपकी बनेगी नहीं आपकी बनेगी नहीं जैसा कि आप उससे बात क्या करेंगे मुझे बताएं इमेजिन विद हर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी हो गई है अब आप खाने पे गए कोलाची गए कढ़ाई खाने बात क्या करेंगे अब आप बहुत अच्छी जगह है अच्छी हवा चल रही है समंदर कितना अच्छा है लाइटें कितनी अच्छी खाना कितना अच्छा है ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन डेटा जो सामने है कोई मीनिंगफुल बात क्या करेंगे कोई फ्यूचर की क्या बात करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो जब आप अपने पार्टनर से बात ही नहीं कर सकते और यही कि हवा अच्छी है गर्मी हो रही है ठंड हो रही है बारिश हो रही है मौसम ख़राब है पानी गर्म है चाय मिलेगी खाना है ये ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं मीनिंगफुल डिस्कशन चाहिए होती है भाई और जिन घरों में नहीं होती मीनिंगफुल डिस्कशन क्योंकि भाई ये देखो तो सेक्स हो गया है, ये सारी चीज़ें होंगी इट्स अ इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिज इट्स नॉट ऑल मैरिज रोज़ कोई नहीं सेक्स कर रहा होता ये सोच है आपकी हम लोग सोचते हैं ना कि ज़ाहिर जब टीनेज में होते हैं और फुल ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं शादी होगी तो मैं तो कमरा ही नहीं कुंडी नहीं खुलेगी नाड़ा खुला रहेगा कुंडी नहीं, नहीं खुलेगी होता नहीं ऐसा कुछ वो भूत उतर जाता है आपका ठीक है फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं फिर जाके रखते हैं आपके गोल्स क्या हैं आपके म्यूचुअल गोल्स क्या हैं यही चीज़ आपको आ, जोड़ के रखते हैं आप कितनी आ, कली में एक टिकट देख रहा था उसमें कुछ था कोई रिसर्च थी कम्युनिकेशन के ऊपर थी कि सेम चीज़ें एक सेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल लिए गए फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राटा उनको पहले व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करवाया गया डिजिटली कम्युनिकेट करवाया गया और फिर वर्बली कम्युनिकेट कराया गया एट्टी परसेंट जो है जब वर्बल हुआ तो पता चला अच्छा मैं तो उसका कुछ और मतलब समझी थी मुझे तो लगा आप गुस्से में मैं इमोजेज़ नहीं यूज़ करता ओके तो मुझसे जो भी चैट करता ना वो समझना मैं बड़ा रूड आदमी हूँ वो मुझसे इमोजेज़ नहीं यूज़ होते मैं बड़ा ऑब्जेक्टिवली सेंटेंस फॉर्म करता हूँ अपने तो लोग ये समझते हैं हालांकि मेरा मूड बिल्कुल सही होता है मैं शादी में भी मुझे आ, ये चीज़ सफ़र करनी पड़ी प्रीवियस रिलेशनशिप में मुझे ये सफ़र करना पड़ा कि यू नॉट इन अ गुड मूड अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई फिर फ़ोन करके आवाज़ सुनानी होती थी समझ रहे हैं आप तो कम्युनिकेशन भाई वही चीज़ चला के रखती है उसके अगर आप बात ही ना कर सको फिर आप बच्चा पैदा करने वाली मशीन थोड़ी चाहिए आपको भाई ब्लैक होंगे आप अगर आपने गिव अप किया तो फिर आप भूल जाएँ बाहर जाना फिर आप भूल जाएँ आगे मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिंदा नहीं रह सकेंगे या सर्वाइव नहीं कर सकेंगे आप में जो अपना ट्रूएस्ट पोटेंशियल है ना आप वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे जिंदगी गुजर जाएगी आप इनसे अगर शादी करेंगे आप यहाँ रह के भी कुछ कमा सकते हो टैलेंटेड आदमी हो दो चार पैसे कमा लोगे वैसे भी गांव देहात की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती सब चीज़ें सस्ती होती लोग अपनी खुद उगाते हैं ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी मैं ये नहीं डिनाई कर रहा मगर जो आपका ट्रूइस्ट पोटेंशियल था ना आप वो कभी अपने आप को एक्सरसाइज नहीं करोगे और फिर जब आप पचास पचपन के होगे आप चिड़चिड़े चल बुड्ढे हो जाओगे कि यार मुझ में क्या, क्या क्या कुछ था और मैं क्या बना मैं क्या निकला मैं so अपने आप को यूटिलाइज़ नहीं किया एंड आई सी सो मेनी एग्जांपल्स इन माय ओन फैमिली अमंग माय ओन फ्रेंड्स जिन्होंने वक्त पे अपना पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया कंफर्ट जोन में फंसे रहे या प्रेशर में माँ बाप का प्रेशर उसका प्रेशर उसका प्रेशर और ख़ानदान के ऑनर के लिए और उसके ऑनर के लिए अबे क्या भाई ऑनर तब होगा जब आप एक सक्सेसफुल इंसान होगे वो है आपका ऑनर है ये नहीं कि आप दब के गुलाम, गुलाम कभी ऑनरेबल नहीं होता भाई मास्टर ऑनरेबल होता है तो आपने मास्टरी करनी है अपनी अपने फील्ड में मास्टरी करनी है तो अगर स्लेव बन के रहना है तो फिर ये ऑनर जो है ना ये ट्रेडिशन कल्चरल वैल्यूज़ ये ये आपको कुबड़ा करके रहेंगी बोझ ही रहेगा वो एटलान्ट एटलस था ना दुनिया का बोझ लेके झुका रहा आप ट्रेडिशन का ही बोझ बोरा लेके घूमते रहोगे कुब कुब निकल आएगी उसके बाद फिर अपने बच्चों पर डाल दोगे फिर वो अपने बच्चों पर डालेंगे ये तो चलता ही रहेगा भाई तो अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है आप माशा अपने ख़ानदान में बकॉल आपके खुद सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हो अमेज़न भी आता है आपको आपको बाहर मुल्क भी जाना है Uh, और आप मतलब जहाँ से आपका ताल्लुक है भाई वहाँ वहाँ तो लोग नहीं इतना थ्राइव कर पाते मगर आप में जारा हंगर है और मैंने हमेशा नोटिस किया है जो रिलेटिवली uh, छोटे इलाके होते हैं छोटा बड़ा कुछ नहीं होता मगर मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से कह रहा हूँ कराची की इकॉनमी अलग है सांगड़ की अलग है समझ रहे है हैं आप मेरे उसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है हर जगह है लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से तो यहाँ तो अच्छे अच्छे शहरों के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाने वाले नल्ले होते हैं उनको पता ही नहीं होता पैसा कैसा कमाना है। आप तो माशा वहाँ से निकले उसके बावजूद आप में इतनी हंगर थी इतनी स्ट्राइव थी ड्राइव थी आपके अंदर कि आपने जो है ना अपने को इस काबिल किया कि आप खुद कमा रहे हो बाहर जाना चाहते हो पढ़ना चाहते हो बिल्कुल शौक से जाओ पूरी दुनिया अल्लाह की है भाई तो मैं तो ये कहता हूँ ये अपना राइट ज़रूर एक्सरसाइज करें और यही टाइम है अगर आपने ये देखो ट्वेंटीज है ना ये फॉर्मेटिव एयर्स हैं ट्वेंटीज़ अगर आपने सीरियसली दे दी ना अपने आप को फिर ज़िंदगी में सुकून है वरना फिर आप स्ट्रगल ही करते रहोगे अगर कंफर्ट जोन में रहे तो तीस पैंतीस चालीस फिर जो ऐसा डिप्रेशन आता है आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स अराउंड मी हु आर वंडरफुल इन दैरियर इन एवरी थिंग बट बिकॉज दे डेंट यूटिलाइज द मैक्सिमम पोटेंशियल उनको फ़ील होता है मगर अब उनके पास पैरों में बेड़ियाँ हैं राइट right? बच्चे बड़े हो रहे हैं नहीं कि ले सकते कोई बड़ा स्टेप कोई ड्रास्टिक रेवोल्यूशनरी स्टेप नहीं ले सकते मूव आउट नहीं हो सकते नहीं कर सकते आप यही टाइम है जब तक अकेले हो आप बहुत कुछ कर सकते हो देखो अकेला बंदा दूर तक जाता है साथ वाला काफ़िला जो है ना वो फिर थोड़ा स्लो चलता है समझ रहे रहा ना आपको दूसरों के हिसाब से दूसरों के पेस पे चलना पड़ता है जब तक बंदा अकेला होता है वो तेज़ भाग सकता है और दूर भाग सकता है अब मैं अगेन इसको नहीं इंडोर्स कर रहा कि भाई सिंगल हुड में रहो और गुनाह का रास्ता अख्तियार करो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इस काबिल हो जाओ Uh, कि जिंदगी में कुछ बन जाओ उसके बाद अपने मतलब का अपने मैार का पार्टनर ढूंढो जिसके जो आपको और ये मैं आपको हकीकत से बात बताऊं uh, कि uh, एक सपोर्टिव पार्टनर का सिर्फ होना ही जो है ना वो आपको इतना कामयाब करता है कि आपकी सोच है यू नो मेनी मेनी विमेन इन आर सोसाइटी उनकी शायद इतनी शायद तालीम ना हो या इतना एक्सपोजर ना हो मगर अगर वो सिर्फ आपको शाम को इतना ही गए ना क्या आई बिलीव इन यू एंड आई नो यू विल मेक इट तुम बहुत मेहनती हो आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी दुआएं आपके साथ हैं बस ये बहुत है आप बस इतना कह दो मर्द को बहुत होता है ये ठीक है वो उन्होंने कोई एक्सेल की शीटें नहीं बनानी कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनानी कि जी ये स्वॉर्ड एनालिसिस मैंने किया आपका करियर पाथ ये है ऑर्गेनोग्राम में आप इस वक्त यहाँ बैठे हली वली यार सिर्फ इतना बोलना आई बिलीव इन यू ली, ली, ली मर्द कहता है यार मेरी बीवी मुझे बिलीव करती है वो कहते हैं ना कामयाब मर्द के पीछे औरत होती है तो वो हर औरत नहीं होती वो टॉक्सिक औरत नहीं होती वो ऐसी औरत होती है जो इंक्रेज करती है जो साथ खड़ी होती है <oke> <prawda> जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ हो तो अच्छे टाइम में तो पूरी दुनिया साथ होती है नाराज़ रिश्तेदार भी साथ होते हैं अच्छे टाइम में ऐसे ही है मुहस भाई तो अच्छे टाइम में तो सब साथ हैं भाई बुरे टाइम में कौन साथ है तो इनक्रेजिंग पार्टनर बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में वरना ये के होते हैं कि भाई ठीक है भाई आप जा रहे हो काम पे जा रहे हो नहीं जा रहे वल्ली मैंने तो अपना जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और मैंने तो बस ये देखना है कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है पड़े हुए हैं डिपेंडेंट हैं नो ड्राइव नो 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 फायर इन दैम ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी बड़ी बोरिंग होती है और ख़ास तौर पर उन लोगों की जिनके अंदर फायर होती है क्योंकि आप मोरलेस सेम क्वालिटीज़ देखना चाह रहे होते हो किसी तरह ताकि जहन बने तो भाई ये अगर आपने आपकी ज़िंदगी है बेटा आपका स्टेप है मैं मैंने आप, आपके सामने पेंट कर दी पिक्चर और आपको खुद भी पता है पिक्चर आपके पास इस सवाल का जवाब बिल्कुल मौजूद है आप सिर्फ मुझसे सुनना चाह रहे हो ताकि आपको एक एश्योरेंस मिल जाए तो मैंने आपको अपना जवाब सुना दिया बाकी देख लो फिर अब आप जिंदगी आपके हाथ में जब तक आप अपनी टर्म्स पर जियोगे बहुत आगे जा सकते हो ज़िंदगी में मगर अगर ये कर दिया तो बेटा गांव से दूसरे गांव नहीं जा पाओगे देख लेना और बच्चे बच्चे हो गए ना अगर तेईस चौबीस में बस फिर अबू बन के घूमना फिर छोटे अबू घूम रहे होंगे साइड और सड़क पर फिर मुश्किल हो जाएगा फिर बच्चे भी मीडियोकर जिंदगी आपकी ज़िंदगी मीडियोकर होगी बच्चों की भी मीडियोकर होगी देखो गुजर तो हो ही जाएगा दो रोटी खाता ना इंसान रोटी हो जाती है अरेंज पढ़ लिखा आदमी भूख नहीं भूखा नहीं मरता अरेंज कर ही लोगे कहीं ना कहीं से मगर वो जो एक जो सेटिसफेक्शन होती है ना कि यार ये मेरे हाथ का बिल्ड की हुई एम्पायर है उसका मजा ही अलग है और फिर वो कर ही नहीं पाओगे तो क्योंकि तुम पहले ही शैकल में पड़ जाओगे अगेन शादी को मैं शैकल नहीं कह रहा गलत शादी शैकल होती है बेजोड़ शादी शैकल होती है फजूल की रस्म रिवाज में जुड़ी हुई शादी शैकल होती है और ये तो बिल्कुल ही जो है ना बेजोड़ शादी है पढ़ी लिखी नहीं है लड़की यार क्या आपकी औलाद को वो और नर्चर करेगी वो क्या उनको सिखाएगी उसको तो ख़ुद नहीं कुछ ए बी सी डी आती वो औलाद को क्या सिखाएगी अब इसमें लोग कहते हैं जी नानी दादी हमारी कौन सी पी एच डी थी वो थी वो थी उन्होंने भी तो पाल ली ना बच्चे भैया वो टाइम अलग थे वो एग्रीगेरियन टाइम थे उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए थी उसमें मसल चाहिए था कि मैं हल चलाऊँ आलू उगाऊँ और शकरगंदी खाऊँ सुबह और सो जाऊँ उसमें कोई अब इंडस्ट्रियल दौर है अब कंप्यूटेशनल दौर है इंफॉर्मेशन एज का दौर है और पानी है नहीं पाकिस्तान में क्या फसल उगाओगे समझ रहे हैं तो अब ये एग्रीगेरियन दौर में हम नहीं रहते हम इन्फॉर्मेशन ऐज में रहते हैं इन्फॉर्मेशन ऐज में सर्वाइव करने के लिए आपको भी इन्फॉमेसन चाहिए वरना ए खा जाएगा आपको ज़िंदगी में रोबोटिक उड़ा देगा आपको तो भाई वक्त के साथ चलना होता है तो नानी दादी के टाइम पर वो मैार डिफरेंट थे इस तरह तो मैं आपको मैं 2000 साल पीछे ले जाऊं 2 लाख साल पीछे तो फिर हम हंटर गैदरिंग क्यों नहीं करते हमारे बाप दादों ने चीते मार मार के खाए तो हम क्यों नहीं गेंडा पकड़ के खा सकते अरे वो टाइम और था अब हम के खाते हैं ऑर्डर करते हैं फूड पांडा पे घर पे आता है पहले हम खाना ढूंढने बाहर जाते थे अब खाना खुद हमें ढूंढता हुआ घर आता है भैया ये घर है ये घर है टाइम्स आर डिफरेंट भाई नानी दादी का टाइम छोड़ो वो टाइम के मैार अलग थे रिक्वायरमेंट्स अलग थी अभी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं वी कैरेट तो ये सीन है बेटा बाकी अल्लाह आपका हामीसर और, और बहुत सारी दुआएँ आपके लिए और आई होप यू फाइंड सम वन लाइक माइंडेड और बिल्कुल शादी करो और अच्छे बच्चे पैदा करो उनकी अच्छी तरबियत करो क्योंकि भाई बच्चे की जो पहली यूनिवर्सिटी होती है ना उसकी माँ होती है अब और खुवान ये ना बोले कि हम पे ना डालो भाई जिम्मेदारी पूरी लेकिन भाई वही होती है बच्चा माँ के साथ ही लगा रहता है भाई बाप का इतना रोल होता है मगर माँ जो है वो पहली यूनिवर्सिटी होती है पहला लफ्ज़ भी माँ सिखाती है मामा कहना माँ सिखाती है पानी कहना माँ सिखाती है पॉटी ट्रेनिंग माँ करती है करना सबको चाहिए मैं ये नहीं कह रहा लेकिन बच्चे की उनसीयत माँ से ज़्यादा होती है क्योंकि माँ के अंदर से निकला होता है माँ जितना मारे माँ में फिर घुसता है बाप मारता है बच्चा भागता है ये बात आपको याद है माँ जितना मारती है बच्चा फिर भी नॉट इन डोरसिंग वायलेंस बच्चा फिर माँ के पास जाता है कि मुझे मुझे ना मारो मुझे चुप कराओ मैं तुम में से ही हूँ समझ रहे हैं तो अच्छी माएँ चाहिए हमें अगेन उस बच्ची का भी कोई कसूर नहीं कि अब जस्ट बिकॉज़ वो अनपढ़ उसके वालदेन ने रखा तो अब वो ज़िंदगी भर क्या सिंगल हुड गुजारेगी कसूर उसका भी नहीं है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है मगर वो अगर उसका उसके जहन में सवाल हो मगर उसकी इतनी नशो वनुमाई नहीं की गई ना तो वो उसको उसके जोड़ का कोई आप दे दें या फिर ये कि उसकी तालीम का कोई तमाम करें वगैरह वगैरह यहाँ पे चूंकि सवाल आपका है तो मैंने आपको जवाब दे दिया मुझे उस बच्ची पे भी उतना ही तरस है जितना मुझे आप पे है मैं आपके लिए भी उतना ही कंसर्न हूँ उसके लिए भी उतना ही कंसर्न हूँ अब वो ज़िंदगी भर क्या करेगी बच्चे का कसूर नहीं है माँ बाप ने नहीं डाला स्कूल में लड़किए नहीं पढ़ाएंगे ये कह के घर पर रखा कि भाई तेरा सेवियर तो कोई और आएगा इस चीज़ से भी जान छोड़ा नहीं हमने वरना ये परपेचुअल साइकिल ऑफ जहालत ये तो चलती रहेगी फिर तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता हमारा क्योंकि हमारे जो काम के दिमाग पैदा भी होते हैं वो फिर उनका उनसे काम जो है बाइडन ले रहा होता है वो यहाँ रुकते ही नहीं और क्यों रुके सही है ना तो यहाँ रह दे के फिर वही इंसेस्ट वाला जो पूल एक रह जाता है जीन पूल पूरा हमारा बिगड़ चुका है इस मुल्क का और हम बिगाड़े चले जा रहे हैं और उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होती मुझे लोग इतनी गालियाँ देते हैं कि आप ये क्या बात करते हैं अरे भाई क्या बंदा साइंटिफिक बात क्या करें आपसे यार आप किसी और ज़माने के लोगों चले भाई अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू अरे जी आज की लास्ट ईमेल uh, ग्यारह बज गए घर भी जाना है माय हसबेंड स्लीप्स इन अ सेपरेट बेडरूम डियर सर जुनीद माय नेम इज़ एबीसी एंड आई लिव इन अ जीसीसी कंट्री इट्स बिन 13 ईयर्स डेट आई एम मैरिड आई गेव बर्थ टू माई एल्डेस्ट डॉटर एट ईयर्स एगो एवर सिंस आई हैड माई चाइल्ड माई हजबैंड मूड आउट ऑफ द बेडरूम एंड स्लीप्स इन अ सेपरेट बेडरूम इनिशियली आई टॉक टू हिम अबाउट इट he said uh, if i keep on waking up with newborn baby throughout the night i won't be able to go to the office and work there i accepted this explanation but over time distance between us as husband and wife has increased and now my daughter is 8 years old and sleeps early because of school routine still my husband sleeps on separate floor uh, in his own bedroom our husband wife relationship has badly suffered because of this growing distance between us and we are reduced to performing our duties and sleep peacefully away from each other we are now so used to live in a separate bedroom that i cannot sleep uh, right next to him even if i get a chance because i am just not comfortable with this with his hand placed on me the same goes for him as well if I place a hand on him, he won't be able to sleep. This thing has shaken me to the core, and he is least bothered about the distance between us. He never believes in romance and never touches me with tenderness and affection. This lack of physical touch in my life is making me tense. I have talked to him about this so many times, but he refuses to romance me the way I want. He's a typically rigid husband who refuses to mold according to my needs. I shudder with the thought. Of uh, all this uh, impacting my daughter, she's growing up seeing her parents sleeping in a separate bedroom. She daily sees me working like a slave, cooking food and cleaning the entire house. He never wishes me wedding anniversary or happy birthday. He refuses to love me and treat me with respect and dignity. All he wants is his daily uh, chores done on time rest i keep on longing for a loving relationship i want a loving husband who can sleep right next to me who treats me with love affection and tenderness who can understand my emotions and look into my eyes when i talk to him who can romance me the way i want i have always seen my parents treat each other with love affection and dignity they never slept in a separate bedroom uh, when they were having kids then wh why then, why we got separated? Why my husband cannot hold my hand in his uh, and talk to me with love and affection, the way my father holds my mother's hand and listens to her? My husband is so addicted to his phone and his job that he never has time for me. This separation in our house and lack of physical intimacy is driving me crazy, and I don't know what to do. प्लीज़ एडवाइज़ मी एंड हेल्प मी आई कान टेल ऑल ऑफ दिस टू माई पेरेंट्स वेटिंग फॉर योर रिस्पांस आई एम सो सॉरी टू हेर दिस इट्स इट्स क्वाइट एन एलियन कॉन्सेप्ट बट नॉट टू एलियन ये काफ़ी कॉमन भी है और मैंने बहुत कपल्स को इस तरह सुना है कि वो अलग से होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस ऑफ कार्ड्स में आपने देखा होगा कि फ्रेंक मर्फी यूस नो फ्रेंक मर्फी तो उसका एफिस फॉर लाइफ का है फ्रेंक अंडरवर्ल्ड और उसकी बीवी अलग रूम में सोते हैं अब जैसे रॉयल फैमिली आ, के बारे में मैंने सुना है एक पर्टिकुलर मुल्क मैं नाम ले लूँगा कि वो अलग सोते हैं उसकी एक वजह ये बताई जाती है कि भाई क्योंकि किंग की लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट द क्वीन के, के नींद में कुछ होना जाए सिंह तो इस वजह से अब गालिबा अब मुझे ये नहीं पता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का क्या सीन है क्या ये सिर्फ फ्रैंक अंडरवुड uh, करता था इस तरह या फिर ये ये प्रोटोकॉल वाइट हाउस का भी है आई एम जस्ट नॉट श्योर बट आई डाउट आई थिंक ओबामाज वर रियली टाइट बट कुछ कपल्स हैं नॉर्मल लाइफ में uh, उनको uh, वो बिल्कुल बेडरूम uh, शेयर नहीं करते ओनली फॉर द ड्यूटीज़ उसके अलावा नहीं सम पीपल आर वेरी माइंडफुल और कुछ लोगों को ना कुछ लोगों की प्राइवेसी की डेफिनेशन इस तरह की होती है थोड़ी हार्ड कोर कि भाई मैं रूम नहीं शेयर कर सकता फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज डेटिंग सम वन उनका ये कहना था कि लाइक वंस वी सेटल डाउन वी वॉन्ट बी शेयरिंग द सेम बाथरूम अब कुछ लोगों को ज़ाहिर है हाइजीन के बारे में वो इतने ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि भाई मुझे कोई दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं हालांकि हर मॉल में जाके यूज़ किया है हली वली तो आ, तो ये होता है कुछ लोग इस तरह के होते हैं कुछ लोग आ, इसको बिल्कुल नॉ कुछ सम पीपल हु हु हैव अच्छा आपने आपको ना जब इस तरह की ईमेल हो ना तो थोड़ा सा और बैकग्राउंड दिया करें फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड की चाइल्डहुड लाइफ किस तरह की थी वॉज ही दी ओनली किड इन द फैमिली और वॉज ही दी ओनली ब्रदर इन फैमिली क्योंकि या उनके आ, आपके सास ससुर की कैसी रिलेशनशिप है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट देती हैं इन अंडरस्टैंडिंग वाई वाई ही इज द वे ही इज ओके अब इसमें लाइक आई सेट कुछ लोग अपने uh, प्राइवेसी के मामले में एंड वेन आई सी प्राइवेसी आई डोंट मीन के वो देर डूइंग समथिंग रॉन्ग या फिर ये कि देर अप टू समथिंग प्राइवेसी कुड जस्ट मीन के यार आई जस्ट वॉन्ट बी ऑन माई ओन इन माई ओन स्पेस ठीक है एक मुझे बड़ा पसंद है वो कोर्ट पर आई डोंट थिंक इट्स 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 रिलेटेड टू दिस by Stephen fry who said uh, I don't want to be alone I just want to be left alone so maybe as he feel karta so like I have been vocal about this at home Ke mujhe, uh, so here's the thing map I have grown up in a in a very small house with a very large family and everyone is was on each other's face all the time there was zero privacy Uh, मुझे तो एक जब बड़ा हुआ तो ये भी समझ नहीं आया कि हम पैदा कैसे हुए बिकॉज इस घर में तो प्राइवेसी है ही नहीं तो ये हो खबर आती यू नो द ड्यूटीज़ तो उसके बाद वो ना हेड और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी अगेन नॉट टू डू सम बट ये कि मेरा अपना रूम हो आई वॉन्ट माई ओन वॉल आई वॉन्ट माई ओन पोस्टर्स आई वॉन्ट माई ओन स्टेरियो uh, सिस्टम मेरा अपना म्यूज़िक हो मेरा अपना कंप्यूटर हो उस पर इंटरनेट आता हो आई जस्ट वॉन्टेड माई ओन स्पेस बिकॉज दे मे जस्ट टू मैनी पीपल अराउंड एंड वेन आई मूव टू दुबई शुरू में तो ऑबियसली आई वॉज शेयरिंग विद अ लॉर्ड ऑफ पीपल ठीक है ना एक बाथरूम में छब्बीस लोग यूज़ करते थे फिर वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हालात बेहतर होते गए तो फिर वो नंबर भी कम होता रहा देन केम अ पॉइंट वेर आई वॉज शेयरिंग स्टूडियो अपार्टमेंट विद अ फ्रेंड फ़ॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम साथ रहे डेढ़ पौने दो साल तो हम एटलीस्ट दो साल कम अज़ कम हम साथ रहे शारजा में इंडस्ट्रियल एरिया में एंड देन वैन आई मूव फ्राम देयर बिकॉज ही वॉज ब्रिंगिंग हिज एंड हिज सिस्टर तो फिर मैं अजमान मूव हो गया अजमान में मैं जैसे कि आपको बारह बताया वो मेड्स रूम में मैं रहता था और जो मेरी बिल्कुल अर्लीस्ट वीडियोज़ हैं वो उसी उसी मेड्स रूम की होती थी तो वहाँ पर भी मेरा अच्छा टाइम तकरीबन डेढ़ साल गुजरा उस कमरे में एंड देन आई हेड गॉटन सो कस्टम टू बींग अ मुझे मजा आने लगा बिकॉज दैट वॉज समथिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड और उस, उस उस रूम की खास बात यह थी कि उसका बाथरूम अपना था और मुझे बहुत कम्फर्ट था इस चीज़ का कि यार बाथरूम मेरा कोई शेयर नहीं कर रहा बिकॉज मैंने आप लोग को बताया होगा एक वीडियो में कि जब मैं मेरा चूँकि ऑफिस बड़ दुबई में था और अक्रॉस द रोड मेरा घर था और मेरा ऑफिस साढ़े नौ बजे लगता था तो मैं अगर सवा नौ सो के भी उठूँ तो मैं लेट नहीं होता था क्योंकि मैं दस मिनट में नहाता था, था रोड क्रॉस किया कपड़े स्त्री हुए हुए होते थे और चौहत्राम से अलमरई का जूस लिया एक रोसान लिया ऊपर जाके खा लिया डेस्क पे ही खाया वहीं पे काम शुरू कर दिया राइट तो मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या एक दिन मेरा सुबह क्या एक्शन होता है एक दिन मेरा इंटरव्यू था टी कॉम में विच इज़ नाउ बर्षा हाइट्स एंड आई वॉज इन बर्ड वे मुझे नौ बजे पहुँचना था विशमिल है टू बी अप लाइक सिक्स राइट ट्रैफिक बीट करना वो जब मैं नहाने के लिए गया शेड बाथरूम था बीस लोग खड़े हुए थे ठीक है मोस्टली साउथ इंडियंस नॉट द फेवरेबल साइट टू सी अर्ली मॉर्निंग नंगे नंगे आदमी पिंक तोलिए लेके बट दॉ दै वॉज माई रियालिटी और फिर uh, मेरी बारी आई और इतने लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ था बाथरूम इमेजिन लिविंग लाइक दैट एंड आई वॉज लिविंग लाइक दैट लेस देन अ अगो राइट दै वॉज माई लाइफ एंड आई डोंट फोगेट तो Uh, फिर इन सब के बाद जब वेन आई गॉट माई ओन रूम विद माई ओन बाथरूम तो मैं बहुत रिलीफ में था मैं बहुत इन्जॉय किया वो टाइम मैं आई वुड कॉल इन फूड मैं पकाता नहीं था मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था और वो इंतजी हैप्पी है भी नहीं तो आई वुड कॉल इन फूड और फिर वहीं पे खा रहा हूँ एंड देन लाइक सफ़ाई कर ली छोटी मोटी वोट कपड़े धो लिए तो मैंने वो टाइम बहुत इन्जॉय किया टू द पॉइंट कि फिर लाइक सडनली एंड देन आई गॉट मैरिड एंड एवरी थिंग माई लाइफ चेंज एंड देन देवर केड्स इन एवरी थिंग तो ना मैं आई डू इन्जॉय बट लाइक एक पॉइंट के बाद ना कि फिर मुझे वो थोड़ा सा नाटा चाहिए होता बिकॉज वो के ऑस की जो है ना इतना रहा है के ओस में कि मुझे पीस चाहिए था ना आई एम नॉट कि फैमिली इज़ नॉट पीस बच्चे तो बच्चे होते हैं जाहिर है वो फिर एक पॉइंट के बाद आपकी ना आदत हो जाती है इस तरह की सो पर्टेनिंग टू दैट वॉट इफ़ योर हस्बेंड आई एम अज्यूमिंग लिटल वॉट इफ ही वॉज द ओनली चाइल्ड और सम वन हुड लाइक टू बी बाई हिमसेल्फ अकेले बहुत जिंदगी गुजारी होगी टाइम गुजारा होगा और उसी में ही कम्फर्ट मिलता होगा uh, अब आपने ये भी नहीं कॉन्टेक्स दिया कि वॉज इट अरेंज मैरिज वॉज इट अ लव मैरिज इफ इट वॉज अ लव मैरिज दैन वॉट चेंज वॉट डी यू थिंक हैड हैपेंड इफ़ इट्स एन अरेंज मैरिज दैन अगेन इसमें फिर बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू Uh, put ideas in your head, but we've had emails before where a uh, couple were married, they had kids, but like, you know, orientation, interest, ya kisi or interest. again, i'm not uh, this the, the whole idea of this email or and this session is not to plant more ideas in your head. i'm just saying, previously, these are, these are the kind of uh, emails we've had in similar situations, right? again, it could be anything. हमें नहीं पता इस बारे में सो uh, so आपने फिर uh, जैसे कि लिखा है एंड आर नॉट रॉन्ग इन योर डिमांड टू बी रोमांस ऑब्वियसली सबकी ख्वाहिश होती है एवरीबडी वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड एवरीबडी वांट्स वैलिडेशन एब्सोल्युटली व्हाई नॉट सबको अच्छा लगता है हमें भी अच्छा लगता है क्यों नहीं अच्छा लगे सोशल मीडिया पर भी हम बहुत इन्जॉय करते हैं वैलिडेशन वन समन गिवस यू अ लाइक यू नो अच्छा लगता है हार्ट रिएक्ट तो और अच्छा लगता है और ये आपका राइट है ये आपका रिलीजियस राइट है ये आपका मॉरल राइट है सोशल राइट है एवरीथिंग लॉ भी इसको बैकअप करता है रिलीजन भी इसको बैक करता है बिल्कुल आपके बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश है एंड इट्स इंडियरिंग टू हेयर कि लाइक यूर नॉट इन्वॉल्व समवेयर एल्स एंड लाइक यू ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन विद इन दिस सिचुएशन रादर दैन ऑप्टिंग फॉर समथिंग एल्स विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग एंड एडमरेबल ना uh, अब जो ये वाली जो बात है कि ओके सो अ लॉड ऑफ अच्छा इसमें ना मुझे सो लाइक पीपल हु आर मैरिड आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस हिस अ चाइल्ड चेंज इज़ अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स आपकी ना बहुत सारी चीज़ों की डायनामिक्स चेंज होती हैं ये सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ बस तीन साल वो ऊँएँ ऊँ करेगा और फिर नर्सरी जाएगा फिर स्कूल जाएगा फिर बैक टू बेसिक्स ऐसा नहीं होता uh, द फर्स्ट थिंग अ चाइल्ड और मैं कल ही इस पर एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि अ लॉड ऑफ पीपल उनकी जो सेक्स लाइफ होती है वो बहुत अफेक्ट होती है नेगेटिवली अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ चाइल्ड अगेन बच्चों को नहीं बच्चों को नहीं पता उनको किस वक्त कहाँ होना है या किस वक्त सोना है किस वक्त रोना नहीं है वगैरह वगैरह बट देर हाब इन अ लॉड ऑफ इंस्टेंसेज अगेन इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन बट इवन इन माई सिचुएशन वेयर यू नो इफ देर वॉज अ मोमेंट दैट मोमेंट वॉज इंस्टेंटली रोइंड एंड इट लेट टू अलाउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बायट्रली ऑबियसली और uh, ये बिल्कुल होता है तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है एंड uh, बड़ा मुश्किल होता है फिर उसको उस उस डैमेज को रिपेयर करना डैमेज इज़ अ वेरी स्ट्रॉग वर्ड एक बच्चा क्या है डैमेज करेगा मगर ये एक डेंट जरूर पड़ता है आपकी अपनी इंटीमेसी में बिकॉज ऑफ अ चाइल्ड तो उससे भी डायनामिक्स बदलने का खदशा होता है जो ये इन्होंने बात कही कि अगर पूरी रात जाऊँगा तो ऑफ़िस कैसे जाऊँगा ये किसी हद तक एक्सेप्टेबल है बट देखे बच्चा दोनों का है तो चैलेंजेस दोनों ने लेने हैं और ये पेन शुरू में दोनों में दोनों ने बर्दाश्त करना है हमारे यहाँ ये होता है मर्द ने बस सिर्फ सीड इम्प्लान्ट करना होता है उसके बाद उसकी जिम्मेदारी ख़त्म अब माँ जाने माँ की नींदें ख़राब हों तो यूँ हों तो भाई कुर्बानी दोनों ने देनी ना पेरेंट्स ने देनी है खाली पेरेंट ने थोड़ी देनी मगर यहाँ पे ये को एक्सक्यूज़ बना के साइड में वो लिया जाता है कि भाई मुझे सुबह ऑफिस जाना है मेरी मेरा फिर प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी और फिर काम नहीं होगा तो कमाएंगे कैसे वगैरह वगैरह एंड वेमेन इन टू दैट ऑबियसली उन्होंने भी एक हाउस होल्ड रन करना होता है थ्रोज तो देर लाइक ओके कुर्बानी का जानवर तो हमेशा औरत होती है हमारी सोसाइटी में सो ये एक छोटा सा ब्रेक था जो कि आठ साल तक निकल गया विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट अब लाइक आई सेट आई डोंट हैव कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर मैरिज वॉट इट वॉज लाइक बिफोर हाओ लॉन्ग डिज यू डेट इफ इट वॉज लव मैरिज हाउ लॉन्ग डिज यू स्पीक बिफोर स्पोक बिफोर मैरिज इफ इट वॉज एन अरेंज मैरिज कोई चेंज शिफ्ट इन चेंज आया है या हमेशा से ही वॉज कोल्ड लाइक दिस इज ही कमिंग फ्राम अ डैमेज हाउस होल्ड एंड लाइक ही हैज़ टू फाइट हिज ओन डीम्स एंड ही थिंक्स कि मेरी वॉर है मुझे अकेले लड़नी है और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए बिकॉज सम पीपल लाइक टू बी अ ल लोन इन देर ओन माइंड ना इसमें अब ये कर सकते हैं कि फॉर द सेक ऑफ़ द चाइल्ड एंड ऑफ कोर्स योर चाइल्ड इज ग्रोइंग योर डॉटर इज़ ऑलरेडी एट और बच्चे जो हैं बच्चे बहुत समझदार होते हैं और ख़ासतौर पर आजकल के बच्चे दे लाइक दे नो वे टू मच उनका एक्सपोजर का लेवल ही डिफरेंट है वो पैदा इंटरनेट पे हमने इंटरनेट डिस्कवर किया था व्हेन आई वो सेवनटीन और एटीन और वट एवर ये पैदा इंटरनेट पे दे नो वे टू मच सो किड्स कैन सेंस और किड्स ऑफ एवरी एज ऑफ एवरी ई ऑन पोटेंशियली पोटेंशली सेंस के घर में टेंशन है कि नहीं बच्चे भी वाइब पकड़ते खाली आप वाइब नहीं लेते बच्चे भी वाइब ले लेते हैं And it's obviously going to negatively impact okay, when she will grow up to see okay, my my parents had a sexless marriage or a loveless marriage, and that's very unfortunate because that's going to shape her mind about marriage and men in general. And then uh, uh, she would be wary of uh, the idea of being touched or romance or whatever. And then obviously it's going to potentially harm more lives in future. Allah Kare. So for the sake of the child, if not for your own please consult some counselor, some uh, you, uh, so i'm assuming there's, there's no intimacy in this marriage because you said there's no romance kuch me kay romance romance right you get what i'm saying the man will do his deed for his own uh, thirst and then that's it that's it and there's no, no, there's not gonna be any after talk or pillow talk or this or that or no foreplay or anything like okay I'm no I'm, I'm unsure about that situation in your case. However, please consult a counselor or even a sexologist if if the act is not being performed, maybe he has performance anxiety, maybe he has some sort of issues that he's not communicating. Men are very bad at communicating. sad to say but that is the truth. उनको बस ये है ना कि भाई तुम मर्द हो और तुमने खुद झेलना है और सोसाइटी में यू you नो know, तुम ही हो और uh, मर्द को दर्द नहीं होता दिस इन दैट सो वो उसमें भी जो है ना वो वलनरेबल मोमेंट नहीं आने देते जिंदगी में सो प्लीज़ अ काउंसलर एंड डिस्कस दिस सिचुएशन दोनों मिल के एंड लाइक मेच्योर अडल्ट एज यू आर और uh, इसको काउंटर करें इट्स स्टिल नॉट वेरी लेट इट्स ओनली बिन थर्टीन ईयर्स टू योर मैरिज सो योर i'm assuming you're, you're in your 30s or early 30s, and you have a whole life ahead of you. so it's nip it in the bud, to get the heart to go against but like, if you can, uh, sort it out, sort it out, um, or else sort it out, because is in the so you can't live a whole life yearning for love, yearning for some nice words, yearning for a gentle touch, or yearning for uh, something sweet. और लाइक अ वॉक इन द पार्क और समथिंग ये बहुत छोटे छोटे से बेसिक प्लेजर्स होते हैं अगर आपको जिंदगी में वो भी नहीं मिल रहे डिस्पाइट बींग यूर इन अ जी सी सी कंट्री सो एक्र आउटसाइड पाकिस्तान यू यू बिन ब्लेस्ड कि आप एक अच्छे माहौल में रह रही हैं अगर आप उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे एंड योर इन अचुएशन तो फिर इट्स 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 वेरी सैड सिचुएशन सो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए किसी को टॉक इट आउट फर्स्ट टॉक एट आउट विद योर हजबेंड दैट यू नीड टू एड्रेस दिस राधर दैन टेकिंग इट टू द फैमली और टेकिंग मैटर्स इन टू योन हैंड्स यू वॉन्ट टू गिव इट अ शॉर्ट यू हैव यू बिकॉज यू यू लव द मैन एंड यू लव दिस रिलेशनशिप एंड यू वॉन्ट टू बिल्ड इट फॉर बेटर विच इज़ वाई यू आर गोइंग टू गैट इट ट्रीटेड अगर आपको हार्ड टाइम मिलता है कोशिश कीजिए अगर नहीं होता ट्राई टू कम्युनिकेट इट विद इन द फैमिली ट्राई टू कम्युनिकेट विद इन द फैमली अगर वहाँ से भी नहीं होता तो देन

ट दट टी अभी आपने जितनी जितने की आप हैं उससे ज़्यादा और अभी बाकी है तो क्या आपने इस तरह हसरतों में गुजारनी है कि आई डोंट इवन गेट अ नाइस स्माइल फ्रॉम माई स्पाउस ऐसे नहीं गुजारनी ना सो प्लीज़ टेक एक्शन एंड इट्स नैवर टू लेट आठ साल हो गए हैं बर एटलीस्ट बीस साल नहीं हुए यू गेट इट उस परस्पेक्टिव से देखें एंड ट्राई टू सॉट इट आउट वायल योर यंग वाइल यू आर डिज़ायरेबल And while while you can be out there and like you know seek it uh, somewhere else, obviously the right way. So please address this. It's very crucial, very important, and you deserve all the happiness in the world. Uh, there is no reason that you don't. Please don't cuss yourself. कभी कभी आपकी किस्मत होती है दैट यू पेयड अप विद अ गाय वॉज नॉट मेंटली रेडी और डोंट हैव इनफ एक्मेंट टू एटलीस्ट फुली नहीं पसंद तो बता दो भाई कोई और पसंद है तो ये भी बता दो ये कि आठ साल की इजियत में रखा हुआ है तो दैट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू एंड ही शुड ओन अप टू हिज मिस्टेक्स और हिज ओन शॉर्ट कमिंग्स एंड बी ओपन एंड वोकल अबाउट इट सो आई होप दिस वॉज यूजफुल इन सम वे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अपना ख्याल रखना थैंक यू और तो ये थी आज की एपिसोड एनर्जी तो अभी भी बहुत है और भी पढ़ सकता हूँ मेरा मूड था दो घंटे की बनाओ बढ़ दे रहा हूँ ओवियसली सवा ग्यारह और रात के एंड आई हैव टू लेट माई टीम गो और मैं थोड़ा सा फीफा खेलूँगा उसके बाद घर जाऊँगा तो आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड यू गॉट टू लर्न अलाउट फ्रॉम दिस एपिसोड जो भी फीडबैक हो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और जो भी उन लोगों के लिए मशवरे मांगता हूँ वो भी जरूर दिल खोल के दिया करें बिकॉज दिस कैन गो अलॉन्ग वू डोंट नो हुज़ रीडिंग इट एंड हु कैन बेनिफिटिट फ्राम योर मशवरा एंड इट कैन पोटेंशली सॉर्ट दियर लाइफ फॉर द गुड एंड जनरेशन और दैट्स प्राइमरी प्राइमरीली द रीज़न वाई आई डू दिस शो फॉर द सेम रीज़न सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कम्युनिकेशन इट कैन डू वंडर्स एंड आई एम शोर आप लोग समझते होंगे विच इज़ वाई योर वॉचिंग दिस वीडियोज़ थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड इन आपसे दोबारा मुलाकात होगी खुदाफिज़